हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है नारी, है ना। यहाँ देखिएगा ध्यान से, अभी बीपीएससी ने जो एससी का पेपर दिया है उसमें सेक्शनल तीन सेक्शन कर दिया है, सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री। देखो यह नारी चैप्टर जो है, नारी पे, यानी इसको हम लोग स्त्री भी कहते हैं, महिला भी कहते हैं, है ना, सामान्य शब्द के साथ में। तो नारी से जुड़ा हुआ कोई भी निबंध होगा, वह निबंध में हमारे पास में तीन सेक्शन है। पहले इसको समझ लो अच्छे से, फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं, सेक्शन वन, सेक्शन टू और सेक्शन तीन में, ठीक है। यहाँ तो चलो ये बिहार वाला है लोगों को, यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनेगा। नारी का जो भी टॉपिक पूछेगा वो या तो आपको सेक्शन एक में पूछा जा सकता है या सेक्शन दो में पूछा जाएगा। समझो ध्यान से, नारी से जो दूसरे जो भी टॉपिक्स होंगे वो कहाँ पूछा जाएगा, या तो सेक्शन वन में पूछेगा या सेक्शन टू में पूछेगा, लेकिन ज्यादा संभावना है कि नारी से जो टॉपिक को सेक्शन टू में पूछने का। अब देखो इसका जो आधार है, यानी बीपीएससी में जो निबंध लिखवाया जा रहा है उस निबंध का जो आधार है, वह आधार है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। देखिएगा वहां पे यूपी पीसीएस में भी वहां पर निबंध में तीन सेक्शन दिया गया हुआ है, वहां पर भी क्या है, वहां पर भी तीन सेक्शन दिया गया हुआ, सेक्शन वन, सेक्शन टू और सेक्शन तीन, है ना। अब क्या है कि वहां पर भी उत्तर प्रदेश में जो नारी से जुड़ा जो भी टॉपिक होता है उसको पूछा जा रहा है सेक्शन वन में, लेकिन अतुल प्रसाद साहब क्या बोले हैं कि हम इसमें पूछेंगे लोकोक्ति, मुहावरा या जो कथन कारण का स्टेटमेंट होता है वो हम पूछेंगे, इसलिए संभावना ज्यादा कहाँ है सेक्शन टू का। अब देखो एक और पेपर होता है, वह पेपर है यूपीएससी का। यूपीएससी में निबंध के लिए दो ही चैप्टर बचते हैं, दो ही सॉरी सेक्शन होते हैं, सेक्शन वन का और सेक्शन सेकेंड का, ठीक है। तो नारी से जुड़ा जो भी टॉपिक होता है वो पूछा जाता है सेक्शन वन में, यही क्लियर करना। लेकिन हमारी संभावना कहाँ होगा, हमारी संभावना होगी ना सेक्शन सेकेंड में, ठीक है। नारी जो है आपसे पूछेगा, चूंकि यदि आप लड़की हैं या स्त्री हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप नारी से जुड़े हुए टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, उसको समझें, क्योंकि इंटरव्यू में आपको बहुत ज्यादा वो बीट करता है, ठीक है दानिश। अब देखो यहाँ पे नारी का मतलब क्या होता है। नारी जैसे हम कहेंगे, यहाँ पर समझो ध्यान से, जैसे हमारे पास में ब्रह्मांड है, ठीक है स्नेहा। ब्रह्मांड के अगर हम दो हिस्से करेंगे तो पहला हिस्सा किससे बनेगा, पहला हिस्सा बनता है मेल से, दूसरा हिस्सा बनेगा हमारा फीमेल से, ठीक। कहने का मतलब यह हुआ कि सृष्टि बनाने वाले ने, जिसने की रचना किया हमारे ग्लोब का, वह ग्लोब में क्या है, इक्वालिटी के आधार पर, इक्वालिटी के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, दो प्रकार के जीवों का क्या किया, क्रिएशन किया, निर्माण किया। पहला क्या था, मेल था, दूसरा क्या था, फीमेल था, ठीक। जैसे जैसे हमारे पास में सभ्यता का विकास होता है, जैसे जैसे हमारे पास में क्या होता है, सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे फीमेल में और वर्सेज मेल में क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा होना शुरू हो गया, यानी यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन होना शुरू हो गया। देखिएगा कि जब से हमारे यहाँ पृथ्वी पर सभ्यता का विकास हुआ, या जब से हमारे यहाँ लोगों के पास में विवेक आया, विवेक कब आता है लोगों में, जब मानव कहाँ जाते हैं, जब मानव होमोसेपियंस के कैटेगरी में आते हैं, है ना। आपको पता होगा कि आधुनिक मानव विहीन होते हैं, पढ़े होंगे आप लोग हिस्ट्री में होमोसेपियंस, यानी होमोसेपियंस क्या था, होमोसेपियंस मानव का ऐसा प्रजाति था, ऐसा विंग था जिसके पास में सोचने, समझने और बात करने की शक्ति थी। देखो मेल भी सोच सकता था और फीमेल भी सोच सकता था, लेकिन होमोसेपियंस के बाद में अभी तक देखो 2022 तक की स्थिति कैसी है। अगर आप एक तराजू को देखें, ठीक है, अगर आपके पास एक तराजू हो और तराजू में एक तरफ है मेल हो, एक तरफ है फीमेल हो, तो अभी भी देखिएगा कि जहां मेल है वह मेल का पलड़ा क्या है, भारी है, यानी फीमेल की अभी भी क्या हो रही है, फीमेल का अभी भी उदासीनता, या उसके उसका जो विंग है अभी भी क्या है, उदासीन बना हुआ है। फीमेल हर मामले में पीछे है, ठीक है। अब देखो, अब ये तो थोड़ा सा बात था, अब हमको यह देखते हैं, यदि हमसे पूछा जाए कि नारी का मतलब होता क्या है तो आप लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे। हर बच्चों का अपना बौद्धिक क्षमता होता है, हर बौद्धिक का बच्चों का अपना क्या होता है, बौद्धिक लेवल होता है, जिसके आधार पर वो सोचते हैं, ठीक है। देखो नारी जो होता है, नारी जो होता है हमारा, हम पूछते हैं कि नारी आखिर होता क्या है। नारी अगर हमसे पूछे तो नारी आखिर होता क्या है, कोई आदमी बता सकता है कि नारी किसको, जो हमारा मानव जीवन होता है, समझो ध्यान से, जो हमारा मानव जीवन होता है वह मानव जीवन का तीन आधार है। मानव जीवन का क्या है, मानव जीवन का तीन आधार है। देखो इसमें निबंध में क्या है, हम जो डिस्कस करेंगे, जो बोलेंगे, उसको समझना, उसको इंटरलिंकिंग करने की कोशिश करना, दूसरे को क्या करना, जोड़ने का प्रयास करना, ठीक। देखो मानव जीवन का तीन आधार है, ठीक है। पहला आधार होता है ज्ञान, ठीक, दूसरा आधार होता है धर्म, और तीसरा आधार होता है शांति, ठीक है। देखो ध्यान से, मानव जीवन का तीन आधार होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या हो गया,
नॉलेज, रिलीजन एंड पीस, ठीक है। और हमारे इतिहास में या हमारे कवित्व में ज्ञान, धर्म और शांति, इन तीनों का जो स्वामिनी कहा गया हुआ है, वह कहा गया हुआ है नारी का। कहने का मतलब यह हुआ पल्लवी रानी कि वास्तव में नारी क्या होती है, तो नारी ज्ञान, धर्म, शांति की क्या होती है, स्वामिनी होती है। फिर बीपीएससी यह लिखवाएगा कि नारी की समस्याएं क्या क्या है, बहुत सिंपल प्रश्न देगा आपको। लेकिन कई बार यदि नारी के विषय में अगर बीपीएससी ट्विस्ट कर दिया तो हम लोग फंस जाएंगे, तो इसलिए बहुत डीपली समझना उसको। इसको पहले समझते हैं क्या है रूजी। नारी जो होता है, नारी जो होती है, उस नारी का जो अवतरण यानी अभी वर्तमान में नारी की क्या क्या समस्याएं हैं, नारी किन किन समस्याओं को झेल रही है, किन किन समस्याओं से वो नारी जूझ रही है, इसकी जानकारी हमको तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम भूतकाल में जाकर के नारी की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या पारिवारिक दशा को हम नहीं समझ पाए, ठीक है। अब बताओ तो पल्लवी, एक बड़ा सुंदर सा बात हमने बताया कि नारी क्या होती है, तो नारी ज्ञान, धर्म और शांति की स्वामिनी होती है। नारी कहने का मतलब नारी बनना सबके बस की बात नहीं होता है दानिश। जितना दर्द, जितना दुख, जितना वेदना, जितना तकलीफ नारी झेल सकती है, उतना पुरुष कभी भी नहीं झेल सकता है, ठीक है। नारी के विषय में कहा जाता है कि नारी एक प्रकार का ब्रह्मांड है। नारी जो है ना अपने आप में क्या है रोजी, ब्रह्मांड है, जो दुनिया के द्वेष, क्लेश, घृणा, ईर्ष्या सबको अपने हृदय में जला देती है। सबको हृदय में क्या करती है, रखती है, जला देती है। और उससे जो धुआं निकलता है, उस धुआं को ऊर्जा में बदल करके हमारी सभ्यता और संस्कृति का पोषण करती है। कई बार हमारी जो बात अच्छी लगे उसको लिख लिया करना पेज पे, है ना, क्योंकि दिमाग में कुछ चीज आती है फ्लो में, फिर दोबारा रिपीट हम नहीं कर पाएंगे। देखो नारी क्या होता है पल्लवी, कि नारी ब्रह्मांड है। नारी अपने आप में क्या है, ब्रह्मांड है। और नारी के पास में इतना विशाल हृदय होता है कि उसके हृदय में किसी भी प्रकार का कष्ट, वेदना, दुख अगर कोई उसको दे भी रहा है ना, उसको अपने सीने में जलाती है, हृदय में जलाती है, उसके धुएं को ऊर्जा में बदल करके क्या करती है, सभ्यता का, संस्कृति का पालन पोषण करती है। ये बड़ा बढ़िया से स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो नारी का जो अवतरण होता है, उस नारी के अवतरण को हम लोग चार रूपों में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अभी घबराओ नहीं, ये क्या है कि पॉइंट से पढ़ते हैं, सब लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, 3000 BC से पहले, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल 3000 BC से 600 BC। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आधुनिक काल। देखो इसमें इतिहास का विभाजन नहीं कर रहे हैं दानिश, हमने क्या बोला है कि नारी का अवतरण यानी नारी का जो दृष्टि हम लोग देखते हैं, वो नारी की दृष्टि कैसे कैसे काल क्रम में निकल के आता है। देखो सभ्यता का विकास आज से लाखों साल पहले हुआ था, लेकिन दिमाग तो इन लोगों के पास नहीं था। दिमाग इतिहासकारों ने दिमाग का प्रतारणा कहाँ से दिया है, प्रागैतिहासिक काल से। यानी वह लोग समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल हमारे सभ्यता के विकास का प्रथम चरण है, जहां से मानव अपनी गतिविधियों को क्या करता है, संचालित करता है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से दिने ये दानिश, प्रागैतिहासिक काल में क्या है, प्रागैतिहासिक काल में हमको आर्ट जो है वो आर्ट नहीं, यानी किसी प्रकार का हमको कला नहीं मिलता है, और किसी प्रकार का हमको स्क्रिप्ट यानी हमको इसको क्या बोलेंगे, लिपि नहीं मिलती है, ठीक है। देखो प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल में किसी भी प्रकार का ना तो कला का प्रमाण मिलता है, ना तो लिपि का प्रमाण मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ जरा बताओ तो दानिश, सिंपल सी बात है। इतिहास लेखन के कुछ स्रोत होते हैं, इतिहास का जानकारी क्या होता है, जैसे पेपर हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट होता है। तो यदि हमारे पास कला नहीं है, हमारे पास लिपि नहीं है, तो उस समय में हमारा मानव सभ्यता कैसा रहा होगा, मानव कैसा रहा होगा बताओ। सिंपल सी बात है, यदि उस समय में कला नहीं रहा होगा, उस समय लिपि नहीं रहा होगा, तो ना तो कला का विकास हुआ होगा, ना तो किसका विकास हुआ होगा, लिपि का विकास हुआ होगा। लेकिन इतिहासकार आप इसको जानकारी हमको क्या बताता है कि प्रागैतिहासिक काल को हम लोग फिर दो भाग में बांटते हैं, समझो ध्यान से। प्रागैतिहासिक काल को क्या किया है इसने, इतिहासकारों ने फिर से दो भागों में बांट दिया है। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, पाषाण काल, और दूसरा को कौन सा बोलते हैं, ताम्र पाषाण, ठीक है। देखो
इतिहास नारी के विषय में पूरा हम ओरिजिन से बता रहे हैं आपको, है ना। उसका नारी का निबंध देखोगे तो उस निबंध कुछ अलग पूछा जाता है कि नारी की समस्या क्या क्या, सिंपल सी बात है, लेकिन जड़ से लेकर के तना तक पढ़ लोगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। देखो प्रागैतिहासिक आपको क्या किया है कि हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पाषाण काल में ताम्रपाषाण काल में। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पाषाण काल में जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो लोगों ने क्या किया, पाषाण काल में पत्थर से क्या बनाया, हथियार बनाया, पत्थर के क्या बनाया, औजार बनाया। यानी पाषाण काल में क्या होता है, पत्थर से बने क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आकृतियों का क्या हुआ, आकृतियों का सृजन हुआ। अब जरा बताओ कि पत्थर से बने औजार यदि बनेगा तो यह तो नहीं पता है कि मेल बनाया कि फीमेल बनाया, इतिहास इसमें मौन है, मूक है, साइलेंट है। लेकिन जब पत्थर का हथियार बनेगा, किसी प्रकार का इक्विपमेंट बनेगा, तो यह कॉमन सी बात है कि महिलाएं भी बनाएंगी और पुरुष भी बनाएगा। बात समझ में आया, महिला भी बनाएगी और कौन बनाएगा, पुरुष भी बनाएगा। तो हम चूंकि नारी की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब यह हुआ दानिश कि प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण काल का समय था, उस समय में नारी जो थी अपने अल्प विवेक का प्रयोग करते हुए जो पत्थर हुआ करते थे उस पत्थर को औजार में परिणत किया। यानी इस समय में महिला के, नारी के किस रूप में फॉर्म हुआ, नारी का शिल्पी कार के रूप में जन्म होता है। ठीक है, कहाँ पे, पाषाण काल में शिल्पी, शिल्पी कार को क्या बोलते हैं, मूर्ति, मूर्ति बनाने, हाँ स्कल्पचरिस्ट बोलते हैं इसको, प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एरा इसको बोलते हैं, नियो हिस्टोरिक एरा, आधे मतलब आधुनिक। देखो पाषाण का मतलब पैलियोलिथिक, इसको बोलते हैं कॉपर एज, कॉपर एरा। ठीक है, देखो यानी पाषाण काल में क्या हुआ नीता, कि जो महिलाएं थी, महिलाएं किसका प्रमाण प्रस्तुत करती है, शिल्पीकार का। यानी हमारे इतिहास में, चाहे भारत का हो या विश्व का हो, उस इतिहास में नारी सबसे पहले किस रूप में परिणत होती है, तो शिल्पीकार के रूप में। ठीक, अब देखो फिर पाषाण काल के बाद में पता है किस काल का यूज हो, जन्म होता है, ताम्रपाषाण कॉपर का यूज होता है। यानी जब कॉपर का और तांबा, यदि तांबा का और कॉपर का जब आविष्कार, ये खोज हुआ, तो हमारे पास में एक तरफ तांबा रहा और एक तरफ में क्या रहा, पत्थर रहा। कॉमन सेंस की बात है, तो तांबा और पत्थर से मिला करके क्या बनेगा, कोई हो सकता है विभिन्न प्रकार के कोई मिश्र धातु बन रहा हो, बना हो, या हो सकता है कि तांबे का औजार बना हो, पत्थर का अलग औजार बना हुआ हो। मतलब क्या हुआ कि जहां भी मिश्र धातु का चर्चा होगा या कॉन्सेप्ट आएगा, इसका मतलब हुआ कि ताम्र पाषाण काल में जो नारी थी वह नारी किसका प्रमाण प्रस्तुत करती है, इंजीनियर का, इंजीनियरिंग गतिविधियों का। देख रहे हो महिला का विकास कैसे हुआ, महिला पहले क्या बनती है, मूर्तिकार बनती है, स्कल्पचर बनती है, फिर क्या बनती है, इंजीनियर बनती है। हम लोग अभी ना देखते हैं कि इंजीनियर महिला नहीं, महिला बल्कि आदि काल से ही किसका प्रमाण प्रस्तुत कर रही है, इंजीनियरिंग का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया सबको। आदि ऐतिहासिक काल में, इस काल में हमारे पास में क्या होता है, आर्ट्स भी होता है और मेरे पास में क्या मिलता है, स्क्रिप्ट भी मिलता है। समझो ध्यान से, यानी इस काल में क्या होता है, कला भी होता है और कौन होता है, स्क्रिप्ट का मतलब लिपि भी उपस्थित होती है, क्योंकि सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन यहाँ सबसे बुरी बात क्या हुई कि अभी तक न तो इस कला को क्या नाम दिया गया है, मतलब समझ नहीं पाया कि यह किस प्रकार का कला है, और ना ही लिपि को क्या किया गया है, पढ़ा जा सका है। इसके दो सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण होते हैं आदि काल में। सबसे पहला देखो, इसी युग में किस सभ्यता का जन्म होता है, हमारे सिंधु सभ्यता का, और एक क्या होता है, वैदिक युग, और एक क्या होता है, उत्तर वैदिक युग। ठीक, अब देखो ये तो सिंपल सा बात है, लेकिन अब महिला का यानी नारी के विषय में निबंध लिखने के लिए कॉन्सेप्ट आपको यहाँ आदि ऐतिहासिक काल से क्या होगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सब लोगों को। ठीक है, चले यहाँ पे। अब देखो हमसे पूछा जाता है, हम लोग यही बोलते हैं ना पल्लवी, कि महिलाएं अभी के समय में क्या होती हैं, प्रताड़ित है, महिलाओं को रोजगार नहीं मिलता है, महिलाएं विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में संलिप्त हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति अभी भी सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका जो जन्म हुआ, इसका जो जन्म होता हुआ, जन्म कहाँ से हो रहा है, यानी हम देखो कि वर्तमान में अभी जो नारी है, वर्तमान में अभी जो नारी है रोजी, उस नारी की स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा था। तो आपको पता है कि सिंधु, इसको लिख लो ना, सिंधु सिविलाइजेशन, इसको देखो
सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, नारी जो मतलब महिलाओं की जो स्थिति थी ना, महिलाओं की स्थिति थी वह सबसे अच्छा माना, सबसे अच्छा था। यानी इस समय में महिलाओं के पास में स्वतंत्रता का अधिकार था, इस समय में महिलाओं के पास में समानता का अधिकार था, इस समय में महिलाओं के पास में व्यवसाय करने का अधिकार था। जो अभी हम लोग आर्टिकल 14 to 20, 35 पढ़ते हैं ना, 12th से फंडामेंटल राइट्स, वो सारे के सारे राइट्स जो थे हमको सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं को उपलब्ध था। अब देखो हमारे यहाँ समाज में महिलाओं की स्थिति सिंधु समय में बहुत उन्नत थी। आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था, मात्र प्रधान था, पढ़े हैं ना, जी प्रधान जी सर। मात्र प्रधान था, यानी फीमेल ओरिएंटेड था। मतलब क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में नारी को माता के रूप में पूजा जाता था, नारी को माता के रूप में पूजा जाता था। और नारी जो होती थी, नारी इज सिंबल ऑफ नेचर, यानी नारी क्या था, नारी प्रकृति का सूचक था, नारी क्या था, प्रकृति का सूचक था। ठीक है, ये सब लिखते रहना क्योंकि आपको काम देगा मेंस में, प्रकृति की क्या है, सूचक थी। ठीक है, अब देखो इतिहास में यह क्या हुआ, प्रणाम नाम लीजिए। अब देखो नारी को वहां उस समय इतना स्वतंत्रता बोले था। सर, रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अरे आप अपलोड कर दीजिएगा ना, ये यूट्यूब पर अच्छा नेट नहीं चल रहा है ठीक अच्छा ठीक से हम सर। कर देंगे। देखो अब क्या है, जैसे स्वतंत्रता का मतलब होता है दानिश कि हम स्वतंत्र, हम चाहे जो भी करें, मेरी मर्जी है ना, कोई हमको रोकने वाला ना हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नारी इतना इंडिपेंडेंट थी कि वह अपना विकास खुद कर सकती थी, उसको रोकने वाला कोई नहीं था। ठीक है, अब देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार के श्रृंगार के क्या मिले हैं, श्रृंगार के सामान मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां की महिलाएं अपने रूप को सजाती संवारती थी, अपने रूप को क्या करती थी, सजाती थी और संवारती थी। इसके लिए उसको किसी प्रकार का ना तो प्रतिषेध झलकता था और ना ही किसी को इसको अवहेलना करता था। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या कि इस समय में जो नारी थी वह नारी किसी प्रकार के पर्दा में नहीं रहती थी, यानी वहां पर्दा प्रथा का चलन नहीं था। ठीक है, आप देखेंगे, ये बताओ तो पल्लवी, वेश्यावृत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में था कि नहीं था, बताओ तो दानिश, प्रोस्टिट्यूशन जो है सिंधु सभ्यता में था कि नहीं था, पता ही नहीं है, तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पता नहीं सिंधु सभ्यता, बताओ तो आप लोग जी, कोई आदमी बता दो रोजी, सिंधु सभ्यता में वेश्यावृत्ति था कि नहीं था, होना ही चाहिए। होना चाहिए, नहीं हो चाहे ना, दो ही बट बताओ, होगा गजब बात है भाई, कोई बता नहीं रहा है, बताओ तो पल्लवी, नहीं था, नहीं था। नहीं पता। इस समय में सर कोई कुर्ती वगैरह तो थी नहीं, तो नहीं होना चाहिए। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जो वेश्यावृत्ति थी उस वेश्यावृत्ति का कहीं लिखित प्रमाण नहीं मिलता, यानी वह उस समय में यह नहीं था। मतलब क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नारी की स्थिति, वह नारी की स्थिति कैसा था, बिल्कुल प्योर था। प्योर इस मामले में कि नारी जो चाहती थी वह नारी वह शोध करने में प्रतिबद्ध थी। लेकिन वर्तमान में यदि हम तुलना करें, देखो तुलना भी पूछता है निबंध में कि सिंधु घाटी सभ्यता या इतिहास से लेकर के वर्तमान में महिला की दशा कैसे चेंज हुई, कैसे स्थिति चेंज हुई है? देख सकते हैं ना कि जितना इंडिपेंडेंस हमको सिंधु घाटी सभ्यता पर मिला है उतना ही इंडिपेंडेंस हमको अभी भी मिला है, लेकिन अभी कम है। आप देखिएगा कपास का सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है कहीं पर, ये यूपीएससी पीटी में पूछा भी क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रमाण मिलता है कपास का, वह मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे और कपास से क्या बनाते थे, सूत काटते थे और अपना वस्त्र बनाते थे। यानी वहां की महिलाएं, सिंधु सभ्यता की महिलाएं सेल्फ रिलायंस थी, आत्मनिर्भर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात होता है इसका, वह क्या थी, सेल्फ रिलायंस थी, आत्मनिर्भर थी। और वो क्या करती थी, अपना जो भी वो वस्त्र धारण करती थी वो मार्केट से नहीं खरीदती थी, बल्कि वो अपना वस्त्र को खुद बनाती थी और खुद उसको धारण करती थी। तो अभी जब लोग बोलते हैं ना कि लड़की बोलती है कि हम आत्मनिर्भर बनेगा, नौकरी करेंगे, नहीं, नौकरी ही आत्मनिर्भरता नहीं, आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्वयं उसका प्रोडक्शन करते हो, यह मतलब हुआ सेल्फ रिलायंस का।
ठीक है, तो ये सिंपल है बात है। मामला फंसता है देखो वैदिक युग में और मामला फंसता है कहाँ, उत्तर वैदिक युग में। अब यहां से आपको पढ़ने में थोड़ा आनंद ज्यादा आएगा, ठीक है। नारी की, देखो नारी पे निबंध हम लोगों को लिखने से पहले हमको कंपैरिजन करना होता है अपने पास्ट के जितने भी एरा गुजरे हुए हैं उसके विषय में। यहाँ देखिएगा वैदिक युग में जो नारी की स्थिति थी वह नारी की स्थिति बहुत बहुत क्या थी, अच्छी थी। स्थिति कैसी थी वहां पे, बहुत अच्छी थी। आप लोग पढ़े होंगे बुक्स में कि वैदिक युग में उसका सभ्यता कैसा था, वहां पे महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। महिलाओं को क्या दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था, सम्मान। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर महिलाओं को समानता का अधिकार था। क्या था, राइट टू इक्वालिटी। हमको कहाँ से सबसे पहले प्रमाण मिलता है, तो वैदिक युग में मिलता है। अब देखिएगा अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि जैसे मान लो कि स्नेहा अपने माता मदर एंड फादर के क्या है, तीन संतान है, ठीक है। एक उनके भैया हो गए, एक और भैया हो गए, और स्नेहा बहन में अकेली हो गई। तो अभी क्या है, अभी का जो रूल चल रहा है या लॉ चल रहा है, उनके माता पिता का जो भी संपत्ति होगा वह किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, केवल उनके बेटों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बेटी को नहीं मिलेगा। हालांकि कोर्ट बोला है कि बराबर का हिस्सा हो, लेकिन बेटियां मांगती ही नहीं है और सर उसको माता पिता खुद नहीं देते हैं बेटी को। लेकिन वैदिक काल में संपत्ति के टुकड़ों में, संपत्ति में बेटी का भी हिस्सा होता था। यानी यदि माता पिता है, जो भी प्रॉपर्टी रखा हुआ है वो उस तीनों में बंटवारा होगा, जितने भी उनके संतान होंगे। इसी को बोलते हैं क्या, समानता का अधिकार, ठीक है। देखो पहला तो हो गया क्या कि उसको संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। दूसरी बात क्या हो गई कि जो वैदिक युग में जो महिलाएं हुआ करती थी, महिलाएं हुआ करती थी वह क्या है, वह ज्ञान का प्रतीक थी। वह ज्ञान का क्या थी, प्रतीक थी, यानी सिंबल ऑफ नॉलेज, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा कि वैदिक युग में किसका रचना होता है, वैदिक युग में रचना होता है ऋग्वेद का, सब लोगों को पता है इसमें। अब देखोगे एक बुक्स में पढ़े हुइएगा आप लोग कि उस समय में यानी वैदिक युग में विश्वरा, घोसा, उसके बाद कौन कौन सा आता है, सूर्या, वक्रा, मैत्रेयी, गार्गी, इन सब महिलाओं ने क्या किया था, वैदिक ऋग्वेद में अपने अपने सूक्तों का रचना किया था। यानी वैदिक युग की जो महिलाएं थी काफी पढ़ी लिखी हुआ करती थी। देख ठीक है, इसको हम लिखवाएंगे, अलग से लिखवा देते हैं इनको कि ऋग्वेद में कौन कौन सा रचना किया। अब देखो वहां पे जो महिलाएं हुआ करती थी वह महिलाएं ब्रह्मचर्य का पालन किया करती थी। ब्रह्मचर्य का क्या करती थी, पालन किया करती थी। देखो पहले किसका सिस्टम था, पहले सिस्टम था गुरुकुल का पढ़ाई करने का। जैसे गुरुकुल में क्या, लड़का जाता था पढ़ाई करने के लिए, वहां रहता भी था, पढ़ाई भी करता था। लेकिन वैदिक युग में प्रमाण यह मिलता है कि मेल और फीमेल साथ में वहां पढ़ाई करते थे, रह करके। मेल का अलग हॉस्टल था, फीमेल का अलग हॉस्टल था, और फीमेल जब गुरुकुल में रह के पढ़ाई करती थी तो इस फीमेल को स्वतंत्रता दिया जाता था। फीमेल को क्या दिया जाता था, स्वतंत्रता दिया जाता था कि आप इतना पढ़ी लिखी हो गई हैं तो आप अपने इच्छा के अनुसार जो भी आपको उपयुक्त वर हो, आप उपयुक्त वर से क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म उस किसी भी जाति का हो, ठीक है। यानी इस समय क्या था, इस समय में अंतर जातीय विवाह और गोत्रीय विवाह का क्या था, प्रचलन था। यानी वैदिक युग में जो नारी का अवतरण था वह नारी का अवतरण वास्तव में किसके सिद्धांत पर लागू होता है, समानता के, यानी राइट टू इक्वालिटी पे वो डिफेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है। देखो यहां पर देखिएगा, लिख लो कुछ वैदिक युग, ऋग्वैदिक युग में कुछ महिलाओं का नाम लिख लीजिए और उसमें क्या क्या उसने किया था, ताकि उसको लिखना अपनी भाषा में। देखो लिखेंगे कैसे इसको कि हमारे भारतीय इतिहास, यानी हमारे इतिहास इतना गौरव है स्नेहा कि ऋग्वेद जैसे महानतम ग्रंथों की रचना में कुछ विदुषी महिलाओं ने क्या किया है, योगदान दिया है। सबसे पहला महिला आता है, उस महिला का नाम क्या है, विश्वारा। इसको लिख लो, कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको एक जगह, है ना, क्या क्या किया है जब आप निबंध लिखना महिला का उसके विषय में यहाँ पे लिखना विश्वारा में, ठीक है। देखो विश्वारा जो थी ना, विश्वारा जी थी, उन्होंने क्या किया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 28वां सूक्त का रचना किया है, 28वां सूक्त का रचना किया है। ऋग्वेद के समय में ही एक और महिला आती है, उस महिला का नाम क्या है, घोषा, ठीक, GHOSH, घोषा। देखो
यह घोषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण महिला होती है ऋग्वेद में। यह क्या करती है, ये इन्होंने क्या कहा था कि उस समय में जो भी महिलाएं ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, समझो ध्यान से, बेसिकली ब्रह्मचर्य का जो शब्द का यूज किया जाता था वो मेल के लिए तय किया जाता था कि भाई वो सब पढ़ाई के समय में कोई लव के चक्कर में ना पड़े, लेकिन महिला जब गुरुकुल महिला पढ़ने जाती थी तो वहां पे ऋग्वेद में कहा गया है कि यदि आप फीमेल हैं और गुरुकुल में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको भी क्या करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तो उसके लिए नियम क्या होगा, उसके लिए रूल क्या होगा, तो ब्रह्मचर्य का रूल क्यों कौन बनाया था, यही बनाया था घोसा ने, है ना, यानी फॉर फीमेल के लिए, यानी आपको क्या क्या काम करना होगा वहां रह करके, उसके विषय में इसने बताया है। ठीक है, फिर देखो तीसरा का नाम है सूर्या, ठीक है, SURY। यह भी काफी महत्वपूर्ण महिला थी वैदिक युग में, जिन्होंने नारी का जो सम्मान था बहुत ऊपर कर दिया। देखो ये सब नाम आपको याद रखना होगा, तब जाकर के आप उसमें लिखिएगा इंटरव्यू में हो या ऐसे में हो। जो सूर्या थी वह सूर्या क्या की, ऋग्वेद में देखिएगा, शादी करने का ये था प्रथा था, शादी की जो विधियां होती थी उस विधि को लिखा, प्लस शादी के लिए जो पद्य होते हैं, कुछ गीत वगैरह पढ़ते हैं ना, मंत्रों को पढ़ते हैं, तो सूर्या महोदया ने क्या, फीमेल है, उन्होंने क्या किया, पद्य का रचना किया। इसको पद्य को बोलते हैं स्लोगन, है ना, पद्य का क्या किया, इस सूर्या ने रचना किया है। ठीक है, अब देखो चौथा नाम आता है मैत्रेयी का। मैत्रेयी काफी सुनी होगी नाम आप लोग मैत्रेयी ने, है ना, अभी हम लोग पढ़ते हैं ना फिलोसफी पढ़ते हैं, फिलोसफी का जनक किसको बोलते हैं हम लोग, पतंजलि को बोलते हैं ना, पतंजलि का दर्शन साथ ये, लेकिन वास्तव में मैत्रेयी पहली महिला थी जिन्होंने फिलोसफी को क्या किया, जन्म दिया। फिलोसफी का मतलब क्या हो गया, दार्शनिक विचार की प्रतिपादक थी, है ना, इन्होंने क्या दिया, दार्शनिक विचार का क्या किया, प्रतिपादन किया, यानी इनिशिएटिव ऑफ फिलोसफिकल थॉट इज गिवेन बाय क्या, मैत्रेयी। ठीक है, एक और नाम आता है, उसका नाम है गार्गी। देखो गार्गी क्या था, इसके विषय में जान लो, काफी इंपोर्टेंट महिला ये भी है। उसमें देखिएगा कि विदेह नरेश किसको बोलते हैं, राजा जनक को। ठीक है, देखो गार्गी जो थी वह वैदिक युग की सबसे प्रकांड विद्युत मतलब विदुषी मानी जाती है, सबसे प्रकांड। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो वैदिक युग में तो रामायण महाभारत का घटना घटा था ना, उसके पे रामायण पर भी आते हैं। देखो तो गार्गी का कितना सम्मान था उस समय, मतलब इस समय का कितना सम्मान था, देखो ध्यान से कि विदेह नरेश राजा जनक में हर राजा के पास में कुछ बढ़िया मंत्रिमंडल होता है जिसको कि नवरत्न बोलते हैं। तो राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क नाम के क्या थे, एक बहुत प्रकांड विद्वान थे, उसकी ख्याति बहुत दूर 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 तक थी। आपने पढ़े होंगे याज्ञवल्क या सुने भी होंगे उसके विषय में, वल्क को यह क्या करती है, अपने बात से पराजित करती है। तो हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसे ऐसे विदुषी महिला का जन्म हुआ है कि जो तथा कथित विद्वानों को क्या किया, वार्तालाप में समाप्त कर देती है। तो गार्गी जो थी, गार्गी देखो इसको हम लोग, ये वेद की बहुत बड़ी ज्ञाता है, वेदों की बहुत बड़ी ज्ञाता है, और यह क्या था, अपनी विद्वता के बल पे इसने क्या किया, अपनी विद्वता के बल पे राजा जनक के दरबार में क्या की, उनका जो नवरत्न होता था उसको बोलते हैं नवरत्न, उस नवरत्न में क्या बनाया, जगह बनाया। समझ में आएगा कि सोचो कि बताओ कि जिस सभ्यता में दानिश, जिस सभ्यता में इतने बड़े बड़े विद्वान, इतनी बड़ी बड़ी विदुषी महिलाएं होंगी, तो उस समय में इस महिला का सम्मान कितना होगा, आप सोच सकती हैं उस समय में इस महिला का सम्मान कितना होगा। तो हमारे इतिहास में महिलाओं की स्थिति देखो अवतरण कितना हुआ, एक मतलब विद्वान के रूप में हुआ। सबसे बड़ी बात क्या था कि चूंकि एजुकेशन था वहां पे, किसी प्रकार का बाल विवाह नहीं था, किसी प्रकार का भ्रूण हत्या नहीं था, और लड़की के जन्म पर किसी प्रकार का शोक नहीं मनाया जाता था, विधवा विवाह प्रचलन में था। यदि मान लो कि किसी लड़की का पति मर गया है तो लड़की क्या करती थी, लड़की दूसरा विवाह कर लेती थी ताकि उनका जीवन सुख में बीते। यानी इतना इंटेलेक्चुअल था उस समय वैदिक समय के लोग कि नारी को कभी भी वो लोग हैदिस नहीं देते, नारी का हमेशा क्या किया गया, उत्थान किया गया। सबसे अच्छी बात क्या है कि जब तक ये लोग थी इन्होंने गोत्र का बहिष्कार किया, जितनी नारी विदुषी महिलाएं थी इन्होंने क्या किया, गोत्र का बहिष्कार किया। बोला कि नहीं गोत्र क्या रखा, गोत्र तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना हुआ, गोत्र में विवाह नहीं करना है।
इन्होंने गोत्र का बहिष्कार किया और बोला क्या कि नारी को स्वतंत्रता है कि वह जिससे चाहे उसके साथ वह क्या कर सकती है, विवाह कर सकती है, जीवन व्यतीत कर सकती है। और यदि किसी कोई भी महिला यदि किसी मेल के साथ में रहती भी है और शादी नहीं भी करती तो उसको खराब दृष्टि से नहीं देखा जाता था। यानी अभी का जो कॉन्सेप्ट है लिव इन रिलेशनशिप, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहीं से वैदिक युग से ही आया हुआ है, उसी का भी एडवांस रूप है। जैसे देखो लिव इन में लड़का लड़की साथ में रहते हैं बिना शादी किए हुए, दोनों का मन मिला तो शादी करते हैं, तो भाई क्या लड़के अलग लड़का अलग हो जाते हैं। ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि यह वैदिक युग से चला हुआ आ रहा है। ये इंडिपेंडेंट देता है किसको, महिलाओं को। यानी महिला नारी का उत्तरण कैसा होगा, अपने इंडिपेंडेंट सोच से होता है। ठीक है, आया समझ में आता, मिटाए इसको अब देखो। लेकिन जैसे जैसे यहाँ वैदिक युग में देखा, इस वैदिक युग में कुछ ऐसी महिलाएं भी हुई हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हुई हैं जो पुरुष के साथ साथ युद्ध भूमि में लड़ाई किया था। यानी यहाँ की महिलाएं न केवल विदुषी थी बल्कि कैसी थी, यहाँ की महिलाएं लड़ाका भी थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है रामायण काल में। रामायण काल में क्या नाम था उनका, कैकेयी चाची का, है ना। कैकेयी क्या थी, कैकेयी दशरथ की पत्नी थी। और दशरथ के क्या के दस जहां सबसे अच्छी बात क्या था कि दशरथ जहां भी युद्ध लड़ने जाते थे, राम जी के पापा थे वो, दशरथ जहां भी युद्ध लड़ने जाते थे जब भी गए हैं लड़ाई करने के लिए, इसके साथ कैकेयी खुद जाती थी लड़ने के लिए। दशरथ इनको मना करते थे कि तुम मत जाओ, आप मत जाइए, लेकिन यह बोली कि नहीं, हम एक क्षत्रिय की बेटी है, क्षत्रिय की पत्नी, हम युद्ध लड़ेंगे। तो जहां जहां जाती थी दशरथ लेकर वहां वहां यह क्या करती थी, लड़ाई लड़ती थी। और इतना इतिहास में इसका नाम है कैकेयी का कि कहा जाता है कि एक बार कैकेयी ने क्या किया, दशरथ की जान बचाई है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, युद्ध लड़ा था, उसका रथ का पहिया खुल गया तो अपना उंगली को रख दी हुई थी उसमें हुक में, जान बचाई थी। तब ना दशरथ खुद से बोला कि जाओ तुमको हम एक वरदान देंगे। तब आदमी बोला कि भाई राम जी को वनवास तुम भेज दो। खैर वो बात की कहानी है। तो क्या कहता कि ये लड़ाका महिला थी। ठीक है, और देखो रामायण काल में ही क्या होता है, रामायण काल में ही महिलाओं की, यानी यह कहो कि वैदिक युग में महिलाओं की क्या होती है, पूजा शुरू होती है। पूजा का मतलब इसमें यह कह लो कि महिलाओं को सर्वाधिक सम्मान मिलता है। कैसे मिलता है, यहां देखो ध्यान से। राम का नाम सुने होंगे आप लोग, राम जब भी यज्ञ किए हैं अपने यहाँ अयोध्या में, राम जी जब भी यज्ञ किए हैं वो हमेशा उसके साथ कौन बैठती थी, सीता बैठा करती थी उनके साथ में, हमेशा सीता बैठ के करती। और दोनों क्या करते थे, साथ में यज्ञ किया करते थे। ये बात और है, ये बात और है कि यदि सीता किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाती थी किसी कारणवश, तो राम और क्या किया, सीता की एक मूर्ति बना करके, नहीं मट्टी का मूर्ति बना करके उसके बाद में क्या किया गया, यज्ञ किया गया। जैसे सीता को वनवास भेज दिया गया ना बाद में, जब लव कुश का जन्म होता है उस समय उसको राम भी छोड़ देते हैं, लेकिन अयोध्या में तो यज्ञ करवाना जरूरी होता है। तो राम क्या की, सीता की मूर्ति मट्टी को बना के राम सीता के साथ में ये करते हैं। मतलब यह देखो ध्यान से कि यज्ञ जैसे पवित्र काम को करने के लिए जब तक फीमेल नहीं होंगे तब तक क्या होगा, यज्ञ पूरा नहीं समझा जाता, इतना हमारे यहाँ महिलाओं को क्या था, सम्मान था। लेकिन देखोगे कि समय बीतने के साथ साथ में क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, बहुत ही खराब होना, दयनीय स्थिति शुरू हो गई। अब देखो जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, उत्तर वैदिक काल में हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसा होना हुआ, डिग्रेड होना शुरू हो गया। यानी महिलाओं की स्वतंत्रता पर क्या किया गया, अंकुश लगाया गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, सब लोगों को पता है कि इस समय में उत्तर वैदिक काल में जो महिलाएं थी उन महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, स्थिति दयनीय हो गई। यानी महिलाओं का क्या हुआ, यहीं से महिलाओं का अवसान शुरू होता है। ठीक है, अवसान कैसे कैसे हुआ महिलाओं का, देखो उत्तर वैदिक काल में अब यहां क्या बन गया, यहां पर बन गया गोत्र। ब्राह्मण लोगों ने क्या बना दिया, पल्लवी गोत्र का आविष्कार कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, महिलाओं का अवसान शुरू हो गया मतलब क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह शुरू हो गया। और ये उत्तर वैदिक काल वही समय होता है जब हमारे यहाँ यजुर्वेद, सामवेद और किसका, अथर्ववेद का निर्माण होता है। इसी समय लिखा जाता है ना कि कोई भी पुरुष चाहे वो 50 साल का हो, 60 साल का हो, बुढ़ऊ हो, वह चाहे तो कन्या से विवाह कर सकता है। सोचो ध्यान से, यानी कोई भी 50-60 साल का बुढ़ऊ
15-16 साल की लड़की से विवाह कर सकता है या नहीं, बाल विवाह वहां पर प्रचलित था, और इसके लिए क्या, इसके लिए किसी प्रकार का दंड का प्रभाव वहां पर नहीं था। इसलिए देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल का ऐसा समय होता है, जब इसका विरोध होना शुरू होता है, बाल विवाह हो गया। अब जरा बताओ कि जो बूढ़ा आदमी शादी करेगा वो तो जल्दी मर जाएगा, और इस समय में क्या था कि जो लड़कियां होती थी, यानी लड़की जब युवा हो गई या लड़की जब जवान हो जाती थी, उसका पति मर गया, इसके साथ इसके पास कोई विकल्प नहीं था, यानी इसको खाने पीने की दिक्कत होगी, कौन खाना पीना खिलाएगा, माता पिता इसको छोड़ देते थे, ससुराल में तुम रहो, पति मरने के बाद इसको पति के घर वाले बहिष्कार कर देते थे। नतीजा यह हुआ पल्लवी कि यह महिलाएं और यह लड़कियां क्या की, यहाँ पे वेश्यावृत्ति शुरू कर दी, यानी पढ़ेंगे कि हमारे नारी का स्थिति उत्तर वैदिक काल में इतना ज्यादा घिनौना हो गया कि महिलाएं अपोस्टिशन करना शुरू कर दी। इसी का एक एडवांस रूप है, देवदासी। आप लोग पढ़े होइएगा कि दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे, उस मंदिरों में देवदासी नियुक्त हुआ। ये क्या करते थे, यह सुबह के समय में वहां की यही जो जो बालिकाएं जो विधवा हो जाया करती थी, यह बहुत हजारों साल तक ये प्रथा चल रहा था, और दक्षिण भारत में अभी भी ये प्रथा प्रचलित है। देखो सूर्यगढ़ में कितना केस चल रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा हुआ है अभी भी। तो जो देवदासी हुआ करती थी वो क्या करती थी, वह सुबह के समय में मंदिर के फर्श को पोछा करती थी, मंदिर का देखरेख करती थी, और शाम के समय में जो वहां के पुरोहित वर्ग थे इसका शारीरिक शोषण किया करते थे। अब यहाँ देखो, चूंकि वेश्यावृत्ति जब ज्यादा बढ़ गया तो वहां के जो माता पिता थे, उन्होंने एक बड़ा खराब वर्ड है वो शुरू कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण हत्या, यानी फियोटिस किलिंग शुरू हो गया। यानी सोचो नीता कि कोई महिलाएं उत्तरवैदिक काल में दानिश यदि लड़की को जन्म देती थी तो उसका क्या कर दिया जाता, हत्या कर दिया जाता था। उसको कारण पता था उस महिला को कि हमारी बेटी का स्थिति कैसा हो जाएगा आने वाले समय में। तो उत्तरवैदिक काल में भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा अधिक हो गया, लेकिन जो लड़कियां बची हुई रह जाती थी कि चलो कि ठीक है किसी कारण उसको बच गई या परिवार को जरूरत है बचने का, वो लड़की किसी दूसरे के नजर में ना जाए तो यहाँ पर उसको क्या किया गया, पर्दा बढ़ा दिया गया। यानी इस समय में, जो नारी थी वह नारी में किसका विकास हुआ, रोजी पर्दा प्रथा का विकास हुआ। वास्तव में यह सब क्या था, कुप्रथा था। ठीक है, देखो दूसरी बात क्या था कि उत्तर वैदिक काल में ही नारी के विषय में, नारी जब हुआ करती थी, जैसे पति पत्नी हुआ, तो पत्नी यदि मान लो कि पति पत्नी का साथ में शादी हुआ, मतलब 20-22 साल का एज है या दोनों का कम एज है, ठीक है, पति किसी कारण बस मर गया तो पत्नी तो शादी नहीं कर सकती थी, जब वहां था नहीं, तो पत्नी को पता था कि हमारे पति मर गए तो हमारा अब ये लोग शारीरिक शोषण करेंगे, भरपूर शोषण करेंगे, हमारा हमारे समाज के लोग शोषण करेंगे। इवन की किताब में पढ़िएगा कि जो महिलाएं विधवा हो जाया करती थी या जो महिलाएं शादी नहीं किया करती थी उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाजू वर्ड से बोलते हैं ना, अब लूसन में पढ़े होंगे कि शादी नहीं करने वाला महिला को क्या बोलते थे ऋग्वेदिक काल में, अमाजू बोलते थे। तो जो महिलाएं शादी नहीं करती थी या जो महिलाएं ब्रह्मचर्य का पालन करती थी या जिनका पति मर जाता था, वो महिलाएं अपने घर में क्या है, सुरक्षित नहीं महसूस करती, यानी उनका पिता भाई मामा सब लोग उनका शोषण करते थे, ये चीजें पता थी महिलाओं को। तो नतीजा क्या था कि जब पति के चिता जल रहा था ना, तो महिलाएं क्या कूद करके अपने प्राण को त्याग देती थी। यानी इस समय में सती प्रथा का प्रचलन वास्तव में प्रचलन नहीं था, बल्कि वह क्या था, एक दबाव था जो अपनी महिलाएं अपनी अस्मत बचाने के लिए उसको शुरू की थी। ठीक है, क्या था इसमें, क्या बोले हैं, देखो सती प्रथा, का क्या हो गया, प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस समय में। और इसी सती प्रथा का, एडवांस रूप है, जब हम मध्य काल में पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजपूतों में उसको क्या बोलते हैं, जौहर। दीपिका पादुकोण की थी ना, जब रणबीर सिंह, क्या नाम था उसका, सिंह है कि कपूर है, रणबीर सिंह जब कपूर है ना, नहीं रणबीर सिंह था उसमें, अच्छा रणबीर सिंह था। तो जब रणबीर सिंह मर जाते हैं तो नहीं दीपिका पादुकोण खुद तो जवे करती है, साथ में क्या अपने दासी को भी लेकर चली जाती है करने के लिए, क्योंकि देखो वह जौहर किस लिए की, जौहर किसी को दिखा, बल्कि जौहर इसलिए की जब उसका पति मर गया तो उस समय मुगलों का आधिपत्य था यहाँ पे, देख ही रहे कि वो क्या करता था, चूंकि राजपूत का ऐसा जीन होता है कि काफी सुंदर देखते हैं वो लोग, कुछ एक हाथ को छोड़ दे तो वो क्या, क्योंकि उनका जीन ही चूंकि आर्यन नस्ल के वो लोग होते हैं। तो जो मुगल लोग थे या सुल्तानकालीन जो भी मुस्लिम शासक थे, वो लोग राजस्थान की महिलाओं पर जबरन उनको हड़पने की कोशिश करते थे। तो जो महिलाएं होती थी, देखो महिलाएं किसी को एक बार दिल देती है ना या किसी से प्रेम करती है, फिर दोबारा उसके उसको नहीं भर पाता है कोई आदमी। तो जब महिलाओं को था अपने पति से, तो पति जब मर गई तो क्या करेगी बेचारी, वो
दूसरा दूसरा हमको हर पेश बने कि हम क्या मर के खत्म हो जाए। अभी भी देखिएगा ऐसा लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ जौहर हुआ था राजस्थान में ना रात में, वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है, उनकी आत्माएं बोलती रहती हैं। देखिएगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है वैसे। तो महिलाएं देखिए संदीपा की कितना डिग्रेड हमारा होता चला गया, कौन उत्तरवेदी काल में। और देखो सबका लिंक कौन है, इसका लिंक हम मानव है। महिलाओं की स्थिति अच्छी खराब करने वाला कौन है, हम मानव, खास करके पुरुष जाति जिम्मेदार है। इसी समय में बहु बहु पतित्व प्रथा का क्या था, प्रचलन शुरू हुआ। बहुपतित्व प्रथा क्या होता है, बहुपत्नी प्रथा तो जानते होइएगा, बहुपतित्व प्रथा क्या होता है, यानी एक महिला एक से अधिक पति को अपने साथ रख सकती थी। यहां समझो ध्यान से, यानी बहुपतित्व प्रथा जो था, बहुपतित्व प्रथा, यह क्या किया, राइट ऑफ च्वाइस दिया। इसको क्या बोलते हैं, चुनने का अधिकार साबित करता है। इसका एग्जाम्पल समझो ध्यान से, एग्जाम्पल कौन है, द्रौपदी। महाभारत काल में पढ़े हो, द्रौपदी क्या थे, द्रौपदी जो था पांडवों से, पांडव से ने भी शादी किया था। यस सर, ठीक है। यानी देखो ध्यान से, यानी क्या नाम है कि हमारे यहाँ बहुपतित्व प्रथा, यानी उत्तरवेदी काल के बाद के समय में, उत्तरवेदी काल के बहुत आगे के समय में, एक महिलाएं एक से अधिक पति को अपने साथ रख सकती थी और समाज उसको स्वीकारता था। जैसे इस्लाम में क्या है, इस्लाम में एक मेल, कुरान में कहा गया है ना दानिश कि एक मेल चार फीमेल से शादी कर सकता है, लिखा गया हुआ है, और समाज उसको स्वीकारेगा, समाज उसको बहिष्कार नहीं कर, स्वीकारेगा उसको। उसी प्रकार से उत्तरवेदी काल के बाद के कालों में क्या हुआ कि जो महिलाएं हुआ करती थी वह अपने साथ एक से अधिक पति को रख सकती, तो समाज उसको स्वीकारता था, यानी यह क्या दिया, उसको च्वास करने का, चुनने का अधिकार दिया। अब देखो कि नेहा धुपिया का एक शो आता है टीवी पर, एक बोली थी ना, इट्स हर च्वाइस, यानी वह लड़की का च्वाइस, वो कितने को साथ वह रहती है, इसमें हम आप कोई नहीं कंप्लेन करने वाले हो सकते, बोलते बोलना ही नहीं चाहिए हम लोगों को। ये एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है किसका, महिलाओं के इंडिपेंडेंसी का, स्वतंत्रता का है। यहाँ पर महिलाओं का जो उपनयन संस्कार हुआ करता था, उपनयन संस्कार हुआ करता था, उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये इसका शुरू कहाँ हुआ था, ये शुरू हुआ था ऋग्वेदी काल में, यानी ऋग्वेदिक युग में जो महिलाएं हुआ करती थी, जो महिलाएं हुआ करती थी वो भी क्या करती थी, जनऊ को धारण किया करती, जैसे ब्राह्मण लोग धारण करते हैं ना हिंदू में, तो महिलाएं भी जनऊ धारण करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं से यह अधिकार छीन लिया गया और महिलाओं की स्थिति इस काल में आते आते किसके समान हो गया, शूद्र के समान हो गया, चाहे वह महिला ब्राह्मण के ही घर में क्यों ना जन्मी हुई हो। इसी स्थिति को देखते हुए महामहिम तुल, क्या नाम है उनका, कवि तुलसीदास, नाम सुने हैं तुलसीदास का। यस सर, इन्होंने क्या कहा, उत्तरवेदी काल में जब महिलाओं की स्थिति खराब होना शुरू हो गई, यानी महिलाएं क्या हो गई, महिलाएं वेश्यावृत्ति करना शुरू हो गई, महिलाओं की हत्या किया जाने लगा, महिलाओं के संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया, महिला एक से अधिक पति को रखना शुरू कर दी, महिला को उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देना बंद कर दिया गया, यहाँ तक के जो ब्राह्मण यानी जो ऊंचे कुल में महिला जन रहती थी उनको भी शिक्षा के अधिकार से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। और हमारे इतिहास में रोजी यह भी प्रमाण है कि जैसे शूद्र यदि ऋग्वेद के श्लोक को सुन लेता था उसको क्या, गला शीशा कान में डाल देते थे ना, पढ़े होंगे आप लोग बुक्स में, तो कुछ ब्राह्मण महिलाओं को भी जो ऋग्वेद के श्लोक को सुनती थी उनके कान में भी गला शीशा को क्या कर दिया गया, डाला गया था। यानी बिल्कुल महिला और शूद्र बिल्कुल बराबर हो गए, चाहे वो महिला ब्राह्मण के घर में क्यों ना पैदा हुआ हो। तो तुलसीदास ने इन सब का क्या किया, स्टडी किया और उसने एक बड़ा अच्छा स्लोगन दिया, पढ़े हैं ना आप लोग स्लोगन को, तुलसी बात की, तुलसीदास ने कहा कि नारी अगर कहीं मिले उस नारी को क्या कर दिया जाए, तार दिया जाए। उत्तरवेदी काल के फिर बाद के समय हम लोग आते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, यानी अब यह समय कैसा होता है, उत्तरवेदी काल के थोड़ा सा अंत का समय होता है और मध्य काल के थोड़ा सा पहले का समय होता है। यहाँ पर देखो इस समय, इसको हम उत्तरवेदी काल में कंसिडर करते हैं, इस समय में कोई भी लड़की यदि प्रेम विवाह करती थी, प्रेम करती थी, तो प्रेम को क्या किया, जो प्रेम करने वाले लोग हैं उसको क्या, उसका जनरली हत्या कर दिया जाता था। ये बड़ा खराब चीज़ है। एग्जाम्पल समझो ध्यान से, यदि इसमें लड़की को और लड़का किसी को भी, खासकर लड़कियों को अपना वर चुनने का अधिकार नहीं था,
अब देखो कि वैदिक काल में लड़कियां अपने लिए वर चुन लेती थी। इसका सबसे एग्जाम्पल क्या है? सीता जी का स्वयंवर। ये देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है पल्लवी। वैदिक काल में महिलाओं को इतना स्वतंत्रता था कि वह किसके साथ जीवन यापन करेगी वह खुद को तय करती थी, यानी वह स्वयंवर का क्या किया, वहां पर कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। पहली बार वही रामायण काल में ही आता है। लेकिन यदि उत्तरवैदिक काल में यदि कोई प्रेम करता था लड़का लड़की, तो उसके घर वाले उसके अगेंस्ट हो जाया करते थे। हाँ, इसी को क्या कहते हैं, यही अभी बात में निकल करके आता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑनर किलिंग। यानी मान लो स्नेहा जो है अगर किसी दूसरे लड़के से शादी कर लेगी दूसरे कास्ट में अपने माता पिता के खिलाफ, तो स्नेहा के उसके घर वाले क्या कर देते थे, हत्या कर देते थे। ये प्रमाण हमको यहां पर भी मिलता है। कहां पर? वैदिक काल में प्रेम का वहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, भगवान सब तो इसीलिए फेमस भी है। शिव क्या? जी का भी तो लव मैरिज ही हाँ, अब देखो, अब यहां पर देखो, लेकिन मेल जो था ना, वह मेल को काफी स्वतंत्रता था। समझो ध्यान से, मेल जो था ना, मेल को अखंड स्वतंत्रता प्राप्त था। और अभी भी देखें, मेल तो इंजॉय कर ही रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? कृष्ण जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कृष्ण को क्या करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत लोग पूजते हैं कृष्ण को। कृष्ण क्या है? कृष्ण एक समझो क्या कि मानव है, सबसे बात की मानव है। अब पढ़े होंगे हर किताब में, पर कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? कृष्ण का 16,000 से अधिक पत्नी थी। मध्य काल में आने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इस्लाम की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म की चर्चा कर लेते हैं कि इस्लाम, देखो जब तक हम दो तीन धर्म का कंपेरिजन नहीं करेंगे महिलाओं के बीच में ना, तब तक हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप हो पाया कि महिलाओं के विषय में क्या कहना चाह रहे हैं या क्या कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, इस्लाम धर्म जो होता है वह चलता है कुरान से। कुरान को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कुरान, कुरान नहीं होता, सब शुद्ध ऐसे लिखा कुरान से। इस्लाम का कोई भी चीज़ है वह किससे चलता है? कुरान से चलता है। यहाँ देखो ध्यान से, इस कुरान में जैसे हम लोग वेद को मानते हैं, इस्लाम में कुरान को मानते हैं। इस कुरान में कहा गया है कि मेल और फीमेल, समझो ध्यान से, इस्लाम धर्म में मेल और फीमेल क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह कहा गया है कि फीमेल जो है वह प्रकृति की सबसे सबसे कोमल रचना है। यानी फीमेल इज द सॉफ्ट सॉफ्ट क्या उसको बोलते हैं, सॉफ्टेस्ट क्रिएचर ऑफ नेचर नेचर। इसलिए इसलिए मेल की जिम्मेदारी बनती है क्या करे, बनती है कि उसको क्या पहुंचाए, उसको सुरक्षा पहुंचाए, उसको क्या दे, सुरक्षा दे। यानी इस्लाम धर्म क्या करता है, स्त्रियों की और पुरुषों की किसकी बात करता है? समानता की बात करता है। कुरान में यह भी कहा गया है कि यदि यदि कोई पिता है, यदि कोई पिता है उसके दो संतान है, मेल है और क्या है, फीमेल है, इस पिता की जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार का परवरिश वह मेल को करता है, उसी प्रकार परवरिश किसको करना करना पड़ेगा, उसको फीमेल को। फीमेल को भी तुम बराबर का एजुकेशन दोगे, फीमेल को भी तुम इंडिपेंडेंट आजादी दोगे जितना मेल को देते हो। लेकिन लेकिन क्या है कि जैसे देखो हर धर्म में कुछ ना कुछ ठेकेदार तो बैठे रहते हैं। बाद में क्या किया, बाद में मौलाना लोग या मौलवी लोग जो आते हैं वो क्या किया, कुरान में लिखा गया हुआ है, कुरान में यही नहीं कहा कि सुरक्षा देगा किसको, महिला को। तो मौलवी साहब ने क्या किया, इस बात को मोड़ दिया और बोला क्या कि एक मेल यदि एक से अधिक महिलाओं को क्या कर शादी ब्याह करेगा तो महिला आदि ज्यादा क्या सुरक्षित महसूस करेगी दूसरे के साथ में। तो कौन से कुरान में नहीं बोला कि चार शादी, बस कुरान में क्या कहा गया कि सुरक्षा देगा, और सुरक्षा की आड़ में बाद में धर्म के ठेकेदार ने क्या किया, महिलाओं को इस्लाम में भी एक उपभोग और उपयोग की वस्तु के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इस्लाम में महिलाओं की स्थिति हिंदू की तुलना में और जैन की तुलना में बहुत ज्यादा दयनीय है कि नहीं दानिश। जहाँ गरीबी देखिएगा इस्लाम में बहुत खराब स्थिति है, वहाँ एजुकेशन मिलता है बहुत पढ़ने के लिए महिलाओं को, और जितनी प्रकार की कुरीतियाँ हैं चाहे पर्दा प्रथा हो, उस सब प्रथा आपका इसमें चला है, हमारे इस्लाम में चला गया हुआ है। एक हमारे यहाँ ऋग्वेदी काल में एक प्रथा चलता था, उसको हम लोग बोलते थे नियोग प्रथा। हालांकि इसका नियोग प्रथा सबको पता है, नियोग प्रथा क्या होता है। ठीक है, इसी का एडवांस रूप इस्लाम में आया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हलाला। जिस प्रकार वैदिक वैदिक काल में नियोग प्रथा से महिलाओं के आत्मसम्मान का
खराब होता था, उसको समझ कि उसका मेंटल स्थिति खराब हो जाती थी महिलाओं को, उसी प्रकार हलाला के माध्यम से इस्लाम धर्म में महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, और ज्यादा दयनीय हो गई। कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों धर्म, चाहे धर्म कोई भी हो, उसको खराब करने वाला कौन हुआ, खराब करने वाला हुआ मानव, आधुनिक मानव, होमो सेपियंस उसको खराब किया हुआ है, सिख धर्म। ठीक है, देखो सिख धर्म में क्या होता है, इसमें महिला की स्थिति कैसी होती है बताइए कोई आदमी। सिख धर्म में जो महिला की स्थिति होती है, सिख धर्म में महिला की स्थिति होती है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है, बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। यानी सिख धर्म में महिलाओं को गुरु की संज्ञा और गुरु माता की संज्ञा से कह करके सुशोभित किया जाता है, महिला का बहुत स्थिति बढ़िया हो गया। सिख धर्म में आपको पर्दा प्रथा नहीं मिलेगा, समझो ध्यान से, सिख धर्म में कैसे कैसे उसका विकास होता है, विकास क्रम करने के क्रम में। ठीक है, यहाँ पर देखो सिख धर्म में क्या कहा गया है, महिलाएं एजुकेशन प्राप्त कर सकती थी, कर सकती हैं, अभी भी एजुकेशन महिलाएं प्राप्त करती हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि सिख धर्म में जो महिलाएं होती हैं वह महिलाओं की स्थिति शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, हर क्षेत्र में बहुत आगे है, अभी भी आप उसको देख ही रहे हैं, क्योंकि सिख धर्म का चर्चा इसलिए, सिख बिल्कुल हमारा न्यूनतम धर्म है, आधुनिक धर्म है ना, सिख 1600 से 1700 के आसपास में उसका उदय होता है। तो सिख धर्म में जितने भी गुरु हुए हैं उसने क्या क्या किया है, देखो ध्यान से। एक तो गुरु माता यानी महिलाओं को, जो भी वहां पर महिलाएं हैं वह महिलाएं के महिला को क्या माता कह के बुला सुशोभित किया जाता है। ठीक, देखो यहाँ पर ध्यान से, सिख धर्म में बाल प्रथा का क्या है, खत्म है, बाल प्रथा नहीं मानेगा आपको, बहु विवाह प्रथा का क्या किया गया हुआ है, समाप्ति किया गया हुआ है, बहु पत्नी प्रथा और बहु पतित्व प्रथा, पतित्व प्रथा इसकी भी समाप्ति की गई हुई है। ठीक है, देखो सिख धर्म में किसी प्रकार के नियोग प्रथा का क्या है, प्रचलन नहीं है। ठीक है, सिख धर्म में क्या है, महिला, हाँ आप स्वेच्छा से शादी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिख धर्म किससे चलता है, गुरु आदि ग्रंथ से, है ना, ये चलता है आदि ग्रंथ से, तो सब ये बात जो हम बता रहे हैं आपको ये आदि ग्रंथ का कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो सिख धर्म ने क्या किया, सिख धर्म ने महिलाओं को बहुत ही ज्यादा पोषण किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज सिख धर्म में क्या किया है, सिख धर्म में वैराग्य का क्या किया गया है, वैराग्य को समाप्त किया गया। वैराग्य का मतलब क्या होता है, देखो जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, खास करके मेल, यदि एक समय आने के बाद में जब उनको मन भर जाता है तो क्या करते हैं वो लोग, जाके साधु बन जाते हैं। जैसे हमारे बुद्ध भगवान क्या किए थे, पहले शादी ब्याह कर लिया, औलाद उनको हो गया, लेकिन उनको मन नहीं लगा शादी में, तो कहाँ चले गए, जंगल में चले गए घूमने के लिए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मतलब जंगल घूमना फिरना शुरू कर दिया। तो सिख धर्म में क्या कहा गया है कि महिलाओं को यदि मन नहीं लगता है, भाई मन है कहीं भी परेशान होने लगेगा, तो महिलाओं को वैराग्य नहीं होना, महिला साधु नहीं बन सकती है, बल्कि यदि आपको मन नहीं लगता है तो आप कहाँ जाए, आप संगत में जाए, कहाँ जाए, संगत में जाए। इस संगत को हमारे हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म में बोलते हैं शिव चर्चा। देखती हो ना कि गांव में जो फालतू महिलाएं बैठी हुई होती हैं, शिव चर्चा करना शुरू करता है, जैसे हाजीपुर में खूब शिव चर्चा चलेगा अभी, तो बोलिए संगत में आप, यानी आप ज्ञान दीजिए। इस्लाम धर्म में क्या है कि आप मजार पे नहीं जा, औरतें मजार पे नहीं जाती हैं, है ना, औरतें मजार, लेकिन इसमें सिख धर्म में कहा कि नहीं, जिस प्रकार की हम मेल जो हैं वो जाते हैं अपना मंदिर गुरुद्वारा पूजा करें, तो महिलाएं भी वहां जाती है पूजा करने के लिए, तो महिलाओं को भी वहाँ मतलब सबसे ज्यादा इक्वल राइट कहीं मिलता है ना किसी रिलीजन में, वह मिलता है हमको जैन में और सिख धर्म में। इसके अलावा हिंदू धर्म में तो खैर महिला के लिए और ज्यादा बदतर खराब है, ये है, देखने करते होंगे आप लोग, लेकिन सिख ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट किया आपने यहाँ पे। ठीक है, इसमें समझ में आ गया। जी देखो सर। अब क्या है कि इसमें एक प्रथा चलती है, सुताकी प्रथा, जाने आप लोग जान रहे हैं क्या होता है सुताकी प्रथा। जो महिला होती है रोजी, आपको पता है कि महिला का सबसे, अगर हम नेचर के दृष्टिकोण से देखें तो महिला क्या करती है, महिलाएं सभ्यता का पोषक हैं, सहमत हैं आप लोग, है ना। यस सर। सभ्यता का पोषक का मतलब क्या हुआ कि महिलाओं को एक गुण है, वह गुण क्या है, जन्म देने का क्या है, इनके पास में जन्म देने का क्या है, सौभाग्य है, सौभाग्य कह लो इनको, सौभाग्य कह लो, ठीक है, सौभाग्य कहते हैं इनको, ये किसी में नहीं है। महिला अगर ना हो तो समझो कि कितना निरस हो जाएगा, हमारा सृष्टि खत्म ही हो जाएगा। तो महिला के पास में गुण है जन्म देने का, गर्भ से हम पैदा हुए हैं, उसको हम खराब क्यों बोलेंगे, खराब कैसे बोलेंगे। देखो सुताकी प्रथा क्या होता है, सुताकी प्रथा बेसिकली ये हर धर्म में है, इस्लाम में भी है,
मुस्लिम में, ये हिंदू में भी है, उसके बाद की अरबियन कंट्री हर जगह में था। ये होता क्या है, इसलिए देखो ध्यान से, कि जब फीमेल होती है ना, फीमेल जब प्रेग्नेंट हुई और जब बच्चे को वह जन्म देने वाली होती है, तो देखिएगा कि इनका शरीर भारी बहुत हो जाता है, इनका शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो और जब देखिएगा कि फीमेल जब बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे के जन्म देने के साथ में ही महिलाएं क्या करती है, बहुत ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज करती हैं, उनका रहता है जो बायोलॉजिकली वहाँ स्टोर रहता है पेट में, वो निकलता है, डिस्चार्ज करती है। तो यह जो वाटर डिस्चार्ज होता है रोजी उनका, महिलाओं का, तो इसको हर धर्म में बहुत हेय दृष्टि से देखा गया है। इसको लोग क्या मानता है, इसको लोग मानता है गंदा। तो सुताकी प्रथा में क्या था पहले भी, कि यदि महिला, चाहे हमारे घर की महिला क्यों ना हो, यदि बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उसको अपना मुख्य घर छोड़ करके अपने बाहर के किसी दलान के दूसरे घर में, जहां पर की व्यवस्था ना हो, वहां पे उस महिलाओं को रख दिया जाता था, ताकि बच्चा को तुम वहां जाए, ताकि तुम्हारी जो गंदगी है ना, यह गंदगी का छाया हमारे घर पर ना पड़े, हमारे आंगन में ना पड़े। तो देखो, इस प्रथा को ना तो इस्लाम ने सुधारा, ना तो हिंदू ने सुधारा, ना तो जैन ने सुधारा, ना तो बौद्ध धर्म ने सुधारा। सुधारा किसने, सिख धर्म ने सुधारा। उसने बोला सुताकी प्रथा में, अमरदास नाम के एक गुरु थे, पढ़े हुइएगा आप लोग, किसमें, सिख के 10 गुरु था ना जी, उसी में अमरदास थे। उन्होंने बोला कि नहीं, सुताकी प्रथा जो था, सुताकी प्रथा में, यानी हमारे, चूंकि देखो सिख भी तो हिंदू के तरह रिचुअल करते हैं वो लोग, वो अमरदास ने कहा कि आज चूंकि गुरु थे, तो आज हम आज्ञा देते हैं कि आज के बाद तुम किसी भी सिख महिला को जब बच्चे को जन्म देगी, तो तुम उसको अपने घर में ही उसको जन्म दिलवाना, अगर बाहर तुमने जन्म दिलवाया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बहिष्कार कर दिया जाएगा। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे जो सुताकी प्रथा, यानी जो बाहर महिलाएं जन्म देती थी बच्चों को, वो घर में जन्म देना शुरू कर ली। अब क्या किया कि घर का रौनक और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, और इसका कॉन्सेप्ट जो है हम लोग अभी हिंदू ने भी इसको अपना लिया। तो ये कुरीति देखो कितना कितना खराब चीज है, कि किसी महिला को तुम रखो 9 महीने अपने घर में, और जब बच्चा जन्म करते उसको तुम बाहर फेंक दोगे, तो क्या स्थिति हो जाएगी महिलाओं की। ये सबसे बड़ा खराब प्रथा था। तो इसको क्या किया, सिख धर्म इसको सुधारा। तो बहुत जो रिसर्चर है ना, बहुत ज्यादा इसको सैल्यूट करते हैं, इसके सुताकी प्रथा को, सिख धर्म को इसको समाप्त करने में। ठीक है, अब देखते हैं मध्यकाल में जो महिलाएं होती हैं, उस मध्यकाल में हमारी महिलाओं की स्थिति कैसी होती है। देखो, तो मध्यकाल में हम देखते हैं दो रूप में। सबसे पहले हम किस में देखेंगे, मध्यकाल में हम देखते हैं सल्तनत काल में महिला क्या रही होंगी, उसके बाद हम किस में देखेंगे, मुगल काल में देखेंगे क्या होता था, दूसरा बात हम क्या देखेंगे, दक्षिण भारत में देखेंगे महिला का क्या स्थिति था। समझ लो कौन से, पहले हम दक्षिण भारत से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो दक्षिण भारत में महिलाओं को बहुत ही ज्यादा समान के दृष्टि से देखा जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहीं पर आता है, वह आता है किसका, हरिहर बुक का कौन सा, विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, समझो ध्यान से, पूरे दक्षिण भारतीय राज्य में सबसे सुंदर स्वरूप महिलाओं को अच्छा कौन दर्शाता है रोजी, वह दर्शाता है हमारा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में देखोगी कि एक राजा हुआ था, उसका नाम था कृष्ण देव राय। को हमने क्या कहा कि दक्षिण भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा क्या किया, सबसे ज्यादा महिलाओं को जो सम्मान मिलता है, वह मिलता है संदीपा विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, कृष्ण देव राय जो था, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। दक्षिण भारत में एकमात्र राजा यही था कि जो अपनी, मतलब बहुत आसक्त था महिला से, अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। कोई भी जो शुभ काम करने जाता था, जैसे दरबार में गया, लोगों से मिला, तो अपनी माँ का चरण स्पर्श करके ही वह दरबार में जाता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी माँ की स्मृति में विजयनगर साम्राज्य के बगल में ही नागल नागल पुरम नामक नामक क्या किया, गांव का क्या किया, स्थापना किया। नागलपुरम जो गांव था, बेसिकली अपनी कृष्ण राय ने अपने माँ की याद में बसाया था। उसका क्या नाम था, नांगदा देवी, नांगला नांगला देवी। कृष्ण देव राय ने विजयनगर साम्राज्य के पास नागलपुरम नाम का क्या बसाया, गांव बसाया, जिसका अपनी माँ के नाम पे, माँ का क्या नाम था, नांगला देवी। और यही क्वेश्चन आपको 68वीं बीपीएससी पीटी में भी पूछा हुआ है। अब आते हैं सल्तनत काल में। देखो ध्यान से,
कि हमारे नारी का जो अवतरण होता है, उस नारी का अवतरण मध्य काल में जो सल्तनत एरा होता है उसमें कैसा होता है। इसमें देखो महिलाएं जो होती थी ना, महिलाएं अब प्रशासन करना शुरू कर दी। देखो जिस महिला का हम लोग क्या करते थे, दानिश तिरस्कार किया, बायकट किया हम लोगों ने ना, किसमें, उत्तर वैदिक काल में, उसके बाद के समय में। तो सल्तनत काल जब आता है तो महिलाएं अपने आप को स्थापित करती है किसमें, अपने आप को प्रशासक के रूप में। सबसे बढ़िया प्रमाण किसका मिलता है, रजिया सुल्तान का, नाम सुने हैं ना। सर सर सिर्फ रजिया ही तो की थी वो शासन। सिर्फ रजिया ही की थी, हाँ मुझे तो सल्तनत काल में सिर्फ इसी का पता है। इसका नाम सुने हैं शाहतुरकान का, आपको तो जानना चाहिए शाहतुरकान के बारे में। रजिया सुल्तान से पहले समझो ध्यान से, इतिहासकार ने कितना बेमानी किया है रोजी रोजी। रजिया सुल्तान को शासी दिल्ली का सल्तनत बनने से पहले शाहतुरकान, यह भी एक महिला थी, इस महिला ने क्या किया था, सफलतापूर्वक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। शाहतुरकान कौन था, जा कौन थी, यह थी इल्तुतमिश की, क्या हो सकती है बताओ, ऑप्शन देते हैं, पत्नी, पुत्री, मित्र, माँ, बताओ तो, गेस करके बताओ, जल्दी बोलो, समय नहीं है, पढ़ाना भी हमको और आगे है। नहीं होंगी। पत्नी होगी, बताओ। देखो शाहतुरकान जो है यह इल्तुतमिश की क्या थी, पत्नी थी, ठीक। और यह पहली सुल्तान है जो रजिया सुल्तान से पहले सल्तनत काल पर कुछ समय के लिए शासन की थी, लेकिन हमारे इतिहासकार ने क्या किया है, इसको कहीं स्थान मिला है, तुमको किसी एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, ये तुमको मिलेगा कहाँ पे, तमिलनाडु बुक, तमिलनाडु स्टेट का बुक आता है, जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना लोग पढ़ते होंगे, इलेवेंथ क्लास का हिस्ट्री की किताब है ना, इलेवेंथ क्लास की हिस्ट्री की किताब है, उसी में लिखा गया हुआ है। तो सल्तनत काल में क्या हुआ दानिश, कि हमारी घर की महिलाएं, देखो इस्लाम में क्या पर्दा पड़ता है, यानी महिलाओं ने अपने बुरखे को त्याग करके, अपने पर्दा को त्याग करके, जो भी उसके पास ज्ञान था, जो भी उसके पास शौर्य था, ताकत था, उसका उसने कहाँ यूज किया, प्रशासन में यूज किया। और दिल्ली यानी भारत जैसे महान साम्राज्य पर क्या किया, उच्च पर के शासन तो किया ना। एग्जाम्पल देखो रजिया दीदी का, और एग्जाम्पल में अभी बिहार का एग्जाम्पल, बिहार में भी एग्जाम्पल तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक सल्तनत काल में। फिर देखो सल्तनत काल के समय में ही दक्षिण भारतीय राज्य में, दक्षिण भारतीय राज्य में, यहाँ पर यहीं पे इसको चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जब हर्ष का शासन काल था, हर्ष का क्या था, शासन काल था, तो हर्ष अपने शासन में जो सेना था, सेना को तो मेल को रखा ही रखा था, लेकिन महिलाओं को भी इसने क्या किया, शामिल किया। हर्ष ने क्या किया, महिलाओं को भी अपना शामिल किया। नहीं, हर्ष जो था दक्षिण भारत में पहला ऐसा शासक था, इसमें पूरे हिंदुस्तान में, जिसने अपनी सेनाओं में महिलाओं को क्या किया, महिलाओं को भर्ती किया, ठीक है। और उसको नाम दिया गया प्रतिहारी। क्या नाम दिया गया, नीता रानी प्रतिहारी। प्रतिहारी क्या काम करती थी, तो हर्ष की सेनाओं में जो महिलाएं तलवार भाला यानी हथियार लेकर के प्रहरी का काम करती थी, युद्ध में लड़ाई करती थी, उसको क्या नाम दिया गया, प्रतिहारी। सोचो कि मेरी महिलाएं, हमारी देश की महिलाएं स्नेहा, अपने बुद्धि के साथ अपने शौर्य का भी क्या किया, परिचय दिया। फिर देखो महिलाओं ने क्या किया, महिलाओं ने अपने अपने एक जासूसी का भी काम किया था इस समय में, जासूसी का, उसको नाम दिया गया था विषकन्या। हर्ष के समय में उसका एक अलग जासूस का विंग चलता था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विषकन्या, यानी हर्ष के जो दुश्मन हुआ करते थे उसको ये महिलाएं क्या करती थी, विष दे करके मार दिया करती थी, यानी हमको क्या करता था, हमको वो बचाता था हर्ष के आक्रमण को, ठीक है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है उसका, सल्तनत काल में बस इतना ही एग्जाम्पल है, उसके बाद तो सारा तो सलाम मुस्लिम लोग शासन किए हैं सारे समय में, है ना। दो नाम याद रखना, रजिया सुल्तान और किसका, शाहतुरकान का, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें आओ, कुछ सीखी हो रोजी रोजी, यस सर, कुछ ज्ञान बढ़ोतरी हुआ 4-5%। यस सर। अब देखो सल्तनत काल में तो ठीक था, काम बढ़िया चल गया, लेकिन मुगल काल में आते आते मुगल काल में महिला की स्थिति क्या हो गई, और ज्यादा दयनीय हो गई। अब यहां देखो, यहां की जो महिलाएं थी ना,
यहाँ की महिलाएं दो गुट में बट गया मुगल काल में। पहला बट गया किसका, जन सामान्य महिलाएं, पहला कौन सा बट गया, जन सामान्य की महिलाएं, और दूसरा कौन सा बट गया, दूसरा बट गया हमारा उच्च कुल की महिलाएं, उच्च कुल की महिलाएं। अब देखो यहां पर ध्यान से, उच्च कुल की महिला कौन हुआ करती थी, उच्च कुल की जो महिला हुआ करती थी वो होती थी अमीर की पत्नी। अमीर का मतलब क्या है, पढ़े हो ना मुगल काल में कि जो दरबार में रहा करते थे उसको अमीर बोलते थे हम लोग, है ना। तो अमीर के घर की जो औरतें होती थी वह, और प्लस किसका, बादशाह का जो पत्नी होती थी या बेटी होती थी वह। तो जो अमीर घर की अमीर महिला होती थी या बादशाह की बेटी पत्नी हुआ करती थी उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया स्थिति था उसका। लेकिन जो जन सामान्य की महिलाएं थी, इस जन सामान्य की महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया, खराब हो गया। ठीक, जन सामान्य की महिलाएं ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली हरम के लिए प्रयोग की जाती थी। हरम के लिए क्या किया जाने लगा, प्रयोग किया जाने लगा। यानी हम जो आज के समय में जो वेश्यावृत्ति का एक डेवलप रूप बोलते हैं, देखते हैं कि कहीं एक इलाका बना हुआ है और वो इलाका किसके लिए फेमस है, वेश्यावृत्ति के लिए फेमस है। यह जो कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है, मुगल काल से ही आता है। देखो प्राचीन काल में वेश्यावृत्ति था लेकिन कोई स्पेसिफिक जगह नहीं था, महिलाएं जो थी वह घर घर जा करके अपना देह को बेचती थी। लेकिन मुगल काल में महिलाएं क्या हो गई, महिलाएं किसी एक जगह इकट्ठा हो गई और जो पुरुष ग्राहक होते थे वह इस इलाके में जा करके क्या करते थे, उस देह को खरीदते थे। ये कहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, ये आता है हरम से। तो देखो देखोगे कि महिला मुगल काल में महिलाएं क्या, महिला क्या स्थिति में थी, तो महिला है स्थिति कैसा हो गई, बहुत ज्यादा समाप्त हो, ये दयनीय हो गई। इसको समझो थोड़ा सा और बेहतर से समझाने का प्रयास करते हैं इसको। देखो जो पहले हरम होता क्या, देखो जो हरम होती थी, हरम होता था स्नेहा, हरम में क्या किया पता, कि हरम में क्या एक घर है, ठीक है, इसको हम लोग हरम नाम बोलते हैं। इस हरम में जो जन सामान्य की सुंदर महिला हुआ करते थे, सोचो 8 साल से लेकर के 28 साल से 30 साल के बीच तक की महिलाओं को यहाँ पर रहने की अनुमति थी। समझो ध्यान से, इस हरम में क्या था, 8 साल की उम्र सोचो कितना होगा, बच्ची होगी भाई साहब, बोल भी नहीं पाती होगी लड़की से। 8 साल से लेकर के 28 से 30 साल तक ये महिला इसमें रहती थी, और इसका शारीरिक शोषण कौन करता था, दो ग्रुप करता था, अमीर करता था और कौन करता था, बादशाह करता था। कल्पना करो पल्लवी, कल्पना करो इस बच्ची का, इस एज के बच्ची का एज का, यानी किसी औरत लड़की का 8 साल में उसका यौन शोषण शुरू हुआ, दानिश समाप्त कब हुआ, जब तक उसके पास जवानी था, जब जवानी का क्या किया, इन लोगों ने शोषण किया, और जब वो हल्का सा जवानी उनका ढल गया, कम हो गया या बूढ़ी हो गई, तो उनको क्या किया गया, उनको फेंक दिया गया। यानी जैसे ही वो लड़की 30 वर्ष एज होता था तो इसको एक नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया था वृद्धा, यानी इसको वृद्धा कह करके इस हरम से इसको कहाँ निकाल दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। और बाहर निकाल इस महिलाओं को फिर देखो यही नहीं रुका इसका, इस महिलाओं को फिर अब कहाँ दे दिया गया, जो अमीर के सेवा में जो गुलाम रहा करते थे, अब इस अमीर की गुलाम इसका क्या किया, शोषण किया। बादशाह का जो दरबार के लोग नौकर चाकर रहते थे, अब इसका यह शोषण किया। जब यह भी 5-7 साल यानी लगभग 40 ईयर के बाद में यह महिलाएं क्या करती थी, हरम से यह मुक्त होती थी, हरम से मुक्त होती। अब जरा बताओ कि किसी महिला को देह शुरू से ही उसका देह का शोषण कर लिया गया, वह कोई रोजगार कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। यानी यह महिलाएं न चाहते हुए भी किस पेशा को अपनाई, रोजी वेश्यावृत्ति को अपनाई थी, वेश्यावृत्ति को अपनाई। यानी जब इसका एज खत्म हो गया इस महिला को, तो ये देखिएगा लाल किला के ठीक सामने, जब दिल्ली आप जाइएगा कभी तो यह सुने भी होइएगा, जो दिल्ली में शहर तो लाल किला भी रहते थे उस समय दिल्ली के, तो दिल्ली में लाल किला के सामने में ना पुरानी दिल्ली में एक जगह, उस जगह का नाम है जीबी रोड, जीबी रोड है ना, ये पश्चिम भारत का सबसे बड़ा देह व्यापार का मंडी है, प्रोस्टिट्यूशन का मंडी है दिल्ली का। जैसे कलकत्ता में एक जगह है, कलकत्ता में जगह का नाम है सोनागाछी, बताते हैं ये भी कैसे कैसे आया कॉन्सेप्ट इसका, वो भारत का सबसे बड़ा है मंडी। उसी प्रकार का जीबी रोड जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है। यानी यहाँ ये महिला क्या करती थी, यहाँ से उसको निकल जाता था, और यहीं पर रोड बीच में रोड है, दोनों साइड में क्या किया गया हुआ है, ये जो बादशाह था वो घर बना दिया बेटा था, और ये महिलाएं को इसी में रख दिया जाता था। और यह महिलाओं अब क्या करती थी, स्वतंत्र थी अपना व्यापार बिजनेस करने के लिए। तो जो भी इसका सैनिक था या जो भी व्यापारी थे उस समय में दिल्ली में रहने वाले, वो आकर के इसका शोषण करते थे, बदले में इसको पैसा देते थे। यानी जो दिल्ली का जीबी रोड है उसका कम जो विकास था मुगल काल में इसका शुरू होता है।
है ना। सोचो कि कितना हमारी स्थिति खराब हुई, इतनी स्थिति खराब हमारा साथ उत्तर मध्य काल में भी नहीं रहा हो जितना स्थिति यहाँ पे खराब हो गया था हमारी महिलाओं को, किसमें, हमारे मुगल काल में, ठीक है। लेकिन ये तो चलो कि ये हरम वाली बातें हो गई, लेकिन मुगल काल में महिलाओं को इज्जत दिया जाता था। देखो इसी को बोलते हैं दोहरा चरित्र। मुगल काल में जो महिलाएं हुआ करती थी उस महिलाओं को क्या दिया जाता था, इज्जत दिया जाता था। किस महिलाओं को दानिश, जो महिला राज दरबार में, राज दरबार नहीं उसको बोलेंगे, मुगल दरबार में जो महिलाएं मुगल बादशाह की क्या होती थी, माँ होती थी, माँ या बहन हुआ करती थी। मुगल, ये बहुत अच्छा चीज है कि मुगल जितने भी मुगल शासक हुए हैं ना, वो मुगल शासक अपनी माँ को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, प्यार करते थे वो। लेकिन सिर्फ अपने ही घर में हम औरतों को इज्जत देंगे पल भी, और बाहर के औरतों की इज्जत, बाहर के औरतों को हम क्या समझेंगे, उपभोग की वस्तु समझेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षा का अभाव मेरे पास में है। यही दोहरा चित्र दिखाता है इस समय में, मुगल काल के समय में, ठीक है। अब देखो, अब इस समय में चूंकि हरम में जाती थी महिलाएं, हरम में जाती थी, तो जो भी महिलाएं थी उस समय में, जो भी महिला हुआ को होती थी, यदि उनको लड़की पैदा हो गई तो लड़की को क्या करती थी, उसकी माँ उसी समय समाप्त कर देती थी। यानी इस समय में मुगल काल में क्या हो गया, भ्रूण हत्या जो है दानिश, वह भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया। देखो कितना मतलब खराब चीज है, ठीक है। अब देखो, लेकिन लेकिन इसके अलावा हमारे मुगल काल में कुछ सशक्त महिलाओं की भी चर्चा मिलती है, महिलाओं की भी चर्चा मिलती है जिन्होंने हिंदुस्तान को प्रशासन चलाने का एक बहुत ही अच्छा क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया, बहुत अच्छा प्रमाण दिया कि हिंदुस्तान की महिलाएं भी प्रशासन चला सकती है। अब देखो, दिल्ली पर मुगल शासन का साम्राज्य था रोजी, इसके अलावा भारत में तो और जगह तो छोटे मोटे जागीरें हुआ करती थी ना, पूरा भाई अंग्रेज पूरा मुगलों का आधिपत्य थोड़ी रहा होगा पूरे भारत में, और क्षेत्रीय था। यदि अब यहाँ पर सशक्त महिला देखेंगे क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से, नीता चली गई है क्या? देखो ये हम आधुनिक भारत का फोटो बनाए हैं, उस समय तो पूरा का साथ में था, ये भी साथ में रहा होगा और ये भी पाकिस्तान भी साथ में रहा होगा, ठीक है। देखो मुगल तो यहीं पर था, आपको पता है कि दक्षिण भारत में मुगल का अधिपति सब इलाका में था, बहुत अच्छी बातें था, लेकिन दक्षिण भारत में छोटे मोटे क्या थे, राज्य हुआ करते थे, जहां पर क्या था कि छोटे मोटे जागीर के रूप में वो क्या किया जाता था, शासन करती थी, ठीक है। यहीं पर देखिएगा, यहीं पर देखिए, यहाँ पे राजस्थान में एक जगह है मेवाड़, यहीं पर क्या है, मेवाड़ में रानी दुर्गावती नाम की एक महिला होती, रानी दुर्गावती नाम की एक महिला थी जो अकेले अकेले 70,000 गांवों पर प्रशासन करती थी, ग्रामों पर क्या करती थी, शासन करती थी। सोच लो एक महिला 70,000 गांव को लीड करती है, कितना ज्यादा क्या होगा, कितना ज्यादा वो एक कॉन्सेप्चुअल बात होगा हमारे लिए, ठीक है। फिर देखो यहां पर आओ, तेलंगाना के पास में एक जगह है, उस जगह का नाम है अहमदनगर, अहमदनगर, ठीक है। यहां पर अहमदनगर में क्या था, मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो यहां पर क्या किया, पूरे के पूरे अहमदनगर में चांद बीबी नाम की जो महिला थी, वह चांद बीबी नाम की महिला क्या किया, अपना प्रशासन शासन चलाया, ठीक है। हाँ तेलंगाना में, ठीक है। फिर देखो नूर जहां का तो नाम सुनेंगे, बहुत अच्छा चीज है। नूर जहां क्या था कि जब जहांगीर साहब शहंशाह बने, तो जहांगीर साहब शहंशाह तो बन गए, लेकिन पूरा पूरा प्रशासन का यूज कौन की, नूर जहां की। यानी मुगल काल में नूर जहां का पूरा दबदबा कहाँ था, हमारे भारतीय या मुगल काल के सत्ता में। और प्रमाण के साथ बताया, दिखाया गया, नूर जहां ने स्थापित किया कि वास्तव में हम प्रशासन को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है। फिर देखो इसी में आता है क्या, ताराबाई। ताराबाई क्या थी, ताराबाई शिवाजी की माँ थी, पता है सब लोगों को शिवाजी की क्या थी, माँ थी। तो शिवाजी का शासन
10 साल में क्या बना था, शासक बना था। उतना छोटा बच्चा कैसे प्रशासन चला गया पूरे मराठा का। तो ताराबाई ने क्या किया, जब तक शिवाजी वयस्क नहीं हो गए तब तक पूरे मराठा साम्राज्य को क्या किया, यहाँ इस महाराष्ट्र इलाके में मराठा साम्राज्य में क्या किया, अपना शासन प्रशासन चलाया। इस प्रकार क्या हम देखते हैं कि पूरे पूरे मध्यकाल में बहुत सारे महिलाओं की यानी नारी की स्थिति कैसा था, अवसान भी था और क्या था नीचे उसका भी उत्थान भी देखे थे हम लोग। यानी जब भी आप महिला के विषय में निबंध लिखिएगा उसमें दो कॉन्सेप्ट का यूज कीजिएगा कि उत्थान और अवसान दोनों को साथ साथ लिखिएगा, और कुछ कॉन्सेप्ट को जरूर लिखिएगा जो भी एग्जाम्पल आपको दिमाग में है नाम याद में है वो सब लिखना, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या है आधुनिक काल में हम देखते हैं, ये मध्यकाल हो गया समाप्त, आधुनिक काल में कुछ है नहीं ज्यादा। देखो आधुनिक काल में क्या है, जो नारी की स्थिति है वह नारी की स्थिति किसी से छुपी नहीं है कि कैसी स्थिति है, ठीक है। आधुनिक काल में जो नारी है उस नारी का हम लोग क्या देखते हैं, दो रूप में देखते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट। देखो आधुनिक काल की महिलाएं क्या होती है, आधुनिक काल की महिलाएं किस क्षेत्र में आगे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, रोजगार, प्रशासन, अर्थव्यवस्था है ना, कूटनीति, नेतृत्व, आपके पास जो भी नाम आता है उन सबको यहाँ पर लिखो कि आधुनिक काल में महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या है, अव्वल है। आधुनिक काल में महिलाएं स्वास्थ्य में भी अव्वल हैं। आधुनिक काल में जितनी भी कॉन्सेप्ट लिखा है उस सब में क्या है, महिलाएं बहुत ज्यादा अव्वल हैं। बहुत अच्छा बात है। लेकिन लेकिन इसके अलावे महिला की जो स्थिति है वह महिला की स्थिति आधुनिक काल में भी क्या है, पलवी, आधुनिक काल में भी दयनीय है। अभी के समय में क्या है, देखो महिला कैसे प्रताड़ित है, हमारी घर की हमारी महिलाएं घरेलू हिंसा से क्या है, प्रताड़ित हैं, ठीक है। दहेज प्रथा से क्या है, महिलाएं प्रताड़ित हैं, ठीक है। हमारी महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं मिल रहा है, इससे महिला क्या है और ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाती है, सोच नहीं पाती है, ठीक है। प्लस की आधुनिक समय में जो पुरुष प्रधान समाज है वो पुरुष प्रधान समाज हमारे आधुनिक समाज समय में महिलाओं को उत्थान का अवसर ही नहीं दे रहा है, ठीक है। पुरुष अनुपात महिला भागीदारी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। अब देखो महिला में क्या है, शिक्षा दर बहुत कम है, ठीक है। महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, बहुत खराब है। देखो अब क्या है, आधुनिक समय में आप सोचने पर इतना बहुत अच्छा सा कैपेबल हो गए सोचने के लिए कि आधुनिक समय में महिलाएं का दो स्थिति है, मजबूत कहाँ है और कहाँ हमारे पास में लूप होल्स कहाँ पर है। अब देखो कुछ प्रोमिनेंट लीडर महिला होती हैं आधुनिक काल में, देखो जैसे क्या क्या नाम लिखेंगे, भावना कंठ, उसको लिखना पड़ेगा, भावना कंठ हो गया, अमित चतुर्वेदी हो गया, सुचिता कृपलानी हो गई हमारी, उसके बाद की इंदिरा गांधी हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई, कस्तूरबा गांधी हो गई, जितनी बड़े बड़े लीडर्स का नाम है जो इतिहास में पढ़ते हैं उन सब का नाम लिखना, और इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने अपने आप को साबित किया है, समझो ध्यान से, सबका नाम लिखना यह संभव नहीं है हमारे लिए। देखो ध्यान से कि आधुनिक काल में कैसे सुनेंगे, संटे सुनो हमसे पहले, कि आधुनिक काल में जो हमारी महिलाएं हैं हिंदुस्तान की, वो महिलाएं अपनी विजय गाथा को दिन प्रतिदिन लिख रही हैं, ठीक है। जैसे क्या बताएंगे, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता और कौन था, भिकाजी कामा, जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं ना सबका नाम उसमें लिखना। लेकिन लेकिन हमारी आधुनिक समय में हमारी महिलाएं अभी भी बहुत क्षेत्र में पीछे हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में, ये सब एग्जाम्पल आप उसको क्या करना, लिखना, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, ये जो है कॉन्सेप्ट आपका मेरे ख्याल से ठीक हो गया होगा, ठीक। अब हम थोड़ा सा डाटा पे काम कर लेते हैं क्योंकि यही डाटा आपको मेंस में भी काम देगा। जैसे महिलाओं की स्थिति खराब है, ठीक है पल्लवी, स्थिति महिलाओं की खराब है तो उसको हम लोग इम्प्रूव कैसे करेंगे, सुधार कैसे करेंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन हमको बताओ तो कि क्या आधुनिक समय में पुरुष और महिला बराबर हैं, बताइए कोई आदमी, स्नेहा, नहीं नहीं है बराबर, सर। देखो हमारे समाज का विकास कब होगा दानिश, जब हमारे समाज में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी विभिन्न स्तर पर क्या होंगी, प्रतियोगिता में भाग लेंगे, विभिन्न स्तर पर क्या करेंगी, अपनी सहभागिता को प्रदर्शित करेंगी। देखो हमारी महिलाएं आधुनिक समय में जो नारी है ना वह नारी अभी भी क्या है, पिछड़ी अवस्था में है, अभी नारी क्या है, पिछड़ी अवस्था में है। तो जब तक हम इस नारी के पिछड़ी अवस्था को नहीं सुधार करने का कोशिश करेंगे
तब तक हमारे राज्य का क्या होगा, विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने भारत के संसद का, पार्लियामेंट का। किसकी बात करते हैं, पार्लियामेंट का। यहां देखोगे वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, उस रिपोर्ट का नाम है विमेन पीपल रिप्रेजेंटेशन, 2022। ये रिपोर्ट जो है नवंबर 2022 में इसने क्या किया था, जारी किया। हमने पहले कहा था आपको, क्या हमने पहले बताया है, देखो कि जैसे हम दुनिया का विकास करेंगे तो आधा भाग में मेल है, आधा भाग में फीमेल है, तब ना विकास होगा रोजी। लेकिन देखो रिपोर्ट किसका खुलासा करता है, इसने क्या कहा है कि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और कौन सा सभा होते हैं, राज्यसभा। वर्ल्ड बैंक कहता है भारत, अपने देखो भारत हर सूचकांक में पीछे है ना, भारत डेमोक्रेसी में पीछे है, भारत लीडरशिप में बहुत पीछे, हर सूचकांक में भारत पीछे ही आपको रैंक मिलेगा। उसका रीजन क्या है, उसके लिए हमको यही से निकल के आता है, पार्लियामेंट वाले सिस्टम से ही। देखो वर्ल्ड बैंक कहता है कि लोकसभा में कितना सीट है टोटल आई थोड़ी कि 42 है। देखो सी आंसर लोकसभा में 543 में से केवल और केवल 78 क्या है, फीमेल है। ठीक, ये कितना होता है, ये होता है मात्र 15%। बताओ पल्लवी, हम आधी आबादी की बात करते हैं कि 50 पैसा तुम्हारा 50 पैसा हमारा, विकास होगा हमारा। यानी लोकसभा में कितना होना चाहिए, कम से कम 50% होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हाई कोर्ट हो, पंचायत हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जहां हो, अगर जहां पर महिला और पुरुष बराबर संख्या में भाग ले रहे हैं ना, उसी समाज का विकास होता है, उसी समाज का, उसी देश का, उसी राष्ट्र का विकास होता है। वर्ल्ड बैंक कहता है भारत को कि मोदी चाचा, मोदी सरकार, आप जब महिला को नहीं बढ़ा सकते हैं आगे में, तो आप अपने देश का विकास कैसे कीजिएगा। ठीक है, अब बताओ राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, इतना ही है ना, सही लिखे गलत लिखे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, कमाल के सर, पानी। 245 होगा ना, 250 तो मैक्सिमम है। हाँ ठीक है, देखो राज्यसभा में 245 सीट्स हैं अभी, हैं तत्काल में, मतलब उसमें लोग रह रहे हैं। अब बताओ कि 245 में केवल और केवल 32 को क्या है, फीमेल है, कितना है, मात्र 13%। अब जरा सोचो कि हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था में महिला प्रतिनिधित्व तो नहीं है, कैसे मेरा विकास होगा। तो पिछले महिला पे नहीं पिछड़ेगी, इसका उपाय क्या करना होगा, इसका उपाय करना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या करना होगा, इसके प्रतिनिधित्व को हमको बढ़ाना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम पीपल अवेयरनेस कर सकते हैं, प्रोग्राम चला सकते हैं कि महिला को हम जागरूक करेंगे, उसको कन्वे करेंगे कि तुम कहाँ आओ, तुम आकर इलेक्शन लड़ो, तुम प्रतिनिधित्व का स्वीकार करो हमें लोकसभा राज्यसभा का। ठीक है, जी सर, हमारे संविधान में आर्टिकल 325 का चर्चा किया गया है, नाम सुने होंगे आप लोग। आर्टिकल 25 क्या कहता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, काफी इंपोर्टेंट लिख लेना, पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी राज नैतिक समानता। ठीक है, संविधान हमारा कहता है पल्लवी, अनुच्छेद 325, कि भारत के सरकार का यह दायित्व तो बनता है दानिश, कि आप प्रत्येक नागरिक को क्या दे, प्रत्येक नागरिक को आप राजनैतिक समानता दे, यानी जितना प्रतिनिधि सीट है उस सीट में कम से कम आधा, यानी उसके पॉपुलेशन के आधार पर क्या दे, उसको सीट दे। मिल पाया, मिला है, नहीं मिला है, सही यानी है। सरकार ही संविधान को क्या कर रही है, संविधान को नहीं मान रहा है। फिर देखो आर्टिकल 326 क्या कहता है, ये कहता है राइट टू वोट, कहता है हमारा मतलब कि सरकार का दायित्व तो बनता है दानिश, कि आप पब्लिक को प्रमोट कीजिए, पब्लिक को बताइए कि भाई तुम क्या करो, तुम अपना वोट दो। लेकिन क्या करता है, अभी भी देखिएगा वोटिंग राइट, वोटिंग परसेंटेज में
मेल का परसेंट हमेशा हाई रहेगा और फीमेल का क्या रहता है, बहुत कम रहता है। लेकिन देखिएगा कि अपने संसद में और अपने अधिकारों को प्राप्त करते हुए दुनिया का एकमात्र देश, उस देश का नाम क्या है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आप लोग पढ़े होंगे करंट अफेयर्स में सब्जेक्ट में कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जहां की संसद में 50% से क्या है, अधिक महिलाएं हैं। 50% से क्या है, अधिक महिलाएं हैं, कितना अच्छी बात है, बताओ। ठीक है, ये तो रहा हमारा किसका, संसद का डाटा रहा। ठीक, चर्चा करते हैं डिफेंस का यानी रक्षा का। ठीक, देखो महिला है तो समानता हमको मिलना चाहिए पल्लवी, हर जगह समानता हमको मिलना चाहिए संदीपा, लेकिन लेकिन डिफेंस सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो अभी भी क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, देखो डिफेंस सेक्टर में जो फीमेल का क्या है, फीमेल का जो प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधित्व है वह केवल 3% है। हम लोग एक बार देखी हो ना, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, कौन कौन फीमेल फाइटर प्लेन उड़ाती थे, कितना गर्व से कहते हैं। न्यूज एंकर बोलता है बता हमारे देश की बेटी आगे बढ़ गई, सुखोई उड़ा रही है, हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, कितना हम लोग गर्व महसूस करते हैं। पल्लवी पार्टी भी करती है, अपने दोस्तों को पार्टी खिलाती है बेतिया में कि चलो भाई लड़की हवाई जहाज उड़ा था, चलो पार्टी कराता नहीं। सोचो कि केवल 3% महिलाएं डिफेंस में है भाई साहब, केवल 3% है। होगा आपके देश का विकास कभी, कभी नहीं होगा देश का विकास, कभी भी नहीं होगा जब तक हम अपने देश में महिलाओं की प्रतिभागिता को, सहभागिता को नहीं बढ़ाएंगे दानिश, हम अपने देश में किसी भी प्रकार का लैंगिक विकास नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत 135वां नंबर पर है। नहीं रहेगा पल्लवी, बताओ 100 में तुम तीनों आदमी को, फीमेल को रखे हुए हो, कितना होना चाहिए, 50 कम से कम, फूल दो। ठीक है, नतीजा क्या, आप देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पढ़े याद किए होंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, क्या उसको बोलते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसको बोलते हैं वैश्विक, क्या बोलते हैं, लैंगिक असमानता सूचकांक, है ना। कितना रैंक है, 135वां। सबसे बढ़िया कौन है, आइसलैंड नंबर एक पर है। आइसलैंड ऐसा देश है जहां शिक्षा में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, बस में, रेस्टोरेंट में, हर क्षेत्र में बराबर महिला है एकदम। हमारे यहाँ कितने महिलाएं एम्बुलेंस चलाती हैं दानिश, हमारे यहाँ कितनी महिलाएं ट्रक चलाती हैं, कितनी महिलाएं बस चलाती हैं, कितनी महिलाएं हैं जो कंपनी में करती हैं, हमारे सब तो पुरुषे करता है ना। हमारे घर में जो भी फैसला होता है कौन फैसला लेता है, अब्बा लेंगे या पप्पा लेंगे, मम्मी को भी पूछता है। जब योजना एग्जीक्यूट हो जाता है तब बोलते हैं, पापा बोलते हैं मम्मी को, हम तो ये कर लिए, मम्मी क्या बोली, हाँ ठीक है किए हैं, कर लिए हैं। महिलाएं जो थी रोजी वैदिक काल में भी, सॉरी उत्तर वैदिक काल में भी क्या थी, अपने आप मतलब शोषित थी, और आधुनिक समय में भी अपने घरों में शोषित है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो जिम्मेदारी बनती है कि अपने सोच को बहुत बेहतर तरीके से पॉलिश करते हुए महिलाओं के उत्थान में हम काम करें। आपसे जब इंटरव्यू में पूछेगा कि आप महिला के लिए क्या काम कीजिएगा, सीधे मत बोलिए कि अस्पताल बना देंगे करेंगे, आप डाटा के साथ बताइएगा कि सर हमारे बिहार में ये डाटा है, हम इस पे काम करेंगे तो बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत किसी को, हाँ देखिए। ठीक है, जैसे एक बच्चे का सवाल है कि भाई डिफेंस में मेल और फीमेल का फिजिकल पर डिपेंड करता है कि महिलाएं कोमल होती है कैसे युद्ध लड़ेंगी, भाई युद्ध लड़ने के लिए कौन बोल रहा है, जो अपर के पद हैं, जेसी होने के जो ऊपर का पद है, कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, मेजर हो गया, उसमें बहाल कीजिए आप। महिलाएं प्राचीन काल में भी अपने दिमाग को साबित कर चुकी है, अभी भी साबित करेगी, क्यों नहीं करेगी, जब हमारे देश की महिलाएं प्रधानमंत्री बन सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती है, साइंटिस्ट बन सकती है, तो क्या वो मेजर कैटेगरी में नहीं आ सकती क्या। रानी लक्ष्मीबाई तो बेस्ट एग्जाम्पल है, फाइट भी कर सकती हैं। रानी लक्ष्मीबाई फाइट नहीं की है, वो अपना झांसी बचाने के चक्कर में थी, समझी। हम लोग इतिहास में पढ़ते, रानी खुद ही मतलब रानी लक्ष्मीबाई इतिहास पढ़िएगा, वो नहीं लड़ती, यदि अंग्रेज उसका दरबार नहीं रखता ना तो नहीं लड़ती वो, खैर वो अलग सिस्टम है, समझे।
तो महिलाओं को हम लोग कहाँ भेज सकते हैं, ऊपर के पद में ठीक ठाक में भेजिए ना आप, लड़े के लिए करो, लड़े के लिए मिले मिल मिल जाके मरे लड़े, ठीक ठाक तो मर ही सकते हैं ना वो। ठीक है ये तो चलो अच्छी बात है। ठीक है अब यहाँ पे रहो, जुडिशरी में हम आते हैं जहाँ तो आदमी तो रोता है जुडिशरी में जाकर के। ठीक है देखो जुडिशियरी में, ठीक है जुडिशियरी में कई को पार्ट होते हैं हमारे, दो पार्ट, सुप्रीम कोर्ट और कौन सा पार्ट, हाई कोर्ट। ठीक है पल्लवी रानी देखो क्लास थोड़ा लंबा जरूर हो गया है लेकिन दिमाग खुला होगा थोड़ा बहुत, है ना, नारी पर कहीं से पूछेगा तो लिख पाइएगा। देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, अभी कितनी महिला है, कितने जज हैं टोटल, 34 जज है, 32 ना 34 है सुप्रीम कोर्ट में, 34 जज है। ठीक है दानिश, लेकिन फीमेल जज कितना है जरा बताओ, तुम्हारे देश की जो सर्वोच्च ये क्या नाम है उसका, सर्वोच्च जो न्यायिक इकाई है उसमें 34 में आप कितना दिए हैं, केवल 4 मतलब फीमेल जज को दिए हैं, इंसाफी है कि ना इंसाफी है, यानी न्याय बताओ। तो यदि कोई महिला घरेलू हिंसा का केस लेकर के जाती है वहां सुप्रीम कोर्ट में और ये चारों महिला जज जो है वो किसी और केस को सुनने में लगी हुई हैं, आपका केस कौन मेले में सुनेगा, तो महिला का दर्द कभी मेल समझ पाएगा, कैसे सही फैसला करा पाएगा वो बताओ। तो हमको यहां भी क्या करना होगा, महिला की स्थिति को क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। ठीक अब हम आते हैं हाई कोर्ट पर। ठीक है कितना हाई कोर्ट है टोटल, 25 टोटल 25 हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट में देखो हर स्टेट का अलग अलग क्षमता होता है हाई कोर्ट का, है ना, तो कितना टोटल हाई कोर्ट का जज है इसका डाटा पे हमको काम नहीं करना है, बल्कि हमको यह देखना है कि जो 25 हाई कोर्ट है, मान के चलो कि एक हाई कोर्ट में कितना, लगभग 25 20 अगर मानते हैं तो 25 दुना कितना, लगभग 500 के आसपास हो गया ना, यानी 500 आपके पास में, 500 प्लस जज हो जाएंगे पूरे हाई कोर्ट में। लेकिन वर्तमान में 25 हाई कोर्ट में जो महिला जज की संख्या है कितना है, मात्र मात्र 96 है। सोचो जितने भी हाई कोर्ट हमारे यहाँ है पल्लवी, उन सारे हाई कोर्ट्स में केवल केवल 96 जज ही हैं जो महिला है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि पल्लवी अभी वकालत करके जाएगी पटना हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए, तो पटना हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट पीएससी जो है हमारा, पटना हाई कोर्ट में देखिएगा कि कितना फीमेल जज है, 0, एक भी नहीं है। ठीक तो कैसे विकास होगा हमारा, हमारे देश का या हमारे राज्य का कैसे डेवलपमेंट होगा जब हम प्रतिनिधित्व की ही बात ही नहीं करते हैं महिला का। ठीक है फिर देखो आगे, समझ में आया ये, जी सर। देखो महिला का समस्या तो सिंपल सा बात है, लिख लोगे काहे समस्या है, क्यों घरेलू हिंसा उसका होता है, अब कॉन्सेप्ट बन गया है तो सब लिखना, पल्लवी हमको मन में कोसना उसना नहीं, तुम्हारे कन्हैया के बारे में कुछ बोले हैं तो समझी, नहीं सर, पढ़ाई का बात है, मतलब पढ़ाई और अलग है। ऐसा भी है कि मतलब इंसान हो या भगवान, कोई टोटली सही नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। देखो अब चूंकि हम बीपीएससी का पेपर देंगे तो बिहार के हम कुछ डाटा पर काम करते हैं। ठीक है देखो बिहार का हाई कोर्ट का डाटा पे लिख लेंगे पटना हाई कोर्ट का। अब हम बिहार किसकी बात करते हैं, विधानसभा का। ठीक है देखो बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं टोटल, 243। ठीक अब देखो तो कि 243 में कितना महिला विधायक हमारे पास में है, मात्र 28। सोचिए दानिश कि आपके बिहार विधानसभा में महिला विधायक की संख्या कितनी है, केवल और केवल 28 है। यदि आप परसेंट देखिएगा तो 11.52% ही प्रतिनिधि जमात इसका है, यानी 40% को महिला अभी और लाना है। आप लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं स्नेहा, पढ़ाई लिखाई करके कुछ माल वाला कमा लो बीपीएससी नौकरी करने के बाद में, 30 में होगा इलेक्शन तो लड़ाई लड़ना जिसका एमएलए का, समझी, तो कैसे हमारा विकास होगा हमारे देश का। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ जितने भी कॉलेज में वीसीज होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, उसमें मैक्सिमम में क्या है, मैक्सिमम में मेल ही डिप्यूट किए गए होंगे। ठीक है तो यही सब कुछ बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट हैं हमारे यहाँ शिक्षा, मेरे पास शिक्षा क्या है, शिक्षा दर हमारे पास यहाँ पर बहुत कम है, हमारे बिहार और भारत दोनों में पुरुष और महिला काम भागीदारिता दर भी बहुत कम है, तो कैसे विकास हमारे यहाँ देश का होगा, कैसे मेरे राज्य का विकास होगा, है ना। तो
ये क्या था संदीपा, ये कॉन्सेप्ट था नारी के विषय में, नारी का अतीत से लेकर के वर्तमान तक की जो भी बातें हैं उसको हम लोग हमने थोड़ा सा चर्चा किया है आपको, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा समझ में आपको आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, निबंध लिखना आप लोग, ठीक है, लिख लो। नारी 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 की दशा और दिशा अतीत एवं वर्तमान, निबंध का टॉपिक है नारी की दिशा एवं दशा, पूर्ण विराम अतीत और वर्तमान, लिख लीजिए। ये तो कॉन्सेप्ट है ना, सिंपल बात पूछे कि महिला का समस्या क्या क्या है बताओ, तो वो जीएस में ही पढ़ते हैं आप लोग, समस्या तो वही चीजें हैं, लेकिन अगर आप कॉन्क्रीट जानेंगे बचपन से, मतलब शुरू से लेकर अभी तक, तो आप बेहतर लिख सकते हैं। और जितना भी डाटा लिखवाए हैं, जितना भी नाम लिखवाए हैं, उसको जरूर लिखना, उसको जरूर याद करने का कोशिश करना, तो बहुत सुंदर निबंध आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो जिसका पीटी में कम नंबर आ रहा है और सटवी में, तो बैठ करके रोने से बढ़िया है कि मेंस की तैयारी अभी कर लो, सितंबर में 2-3 महीने मेंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा खुद से पढ़ के या कहीं कोचिंग पढ़ करके, फिर उसके बाद 2 महीने बाद पीटी पढ़ना। अब देखो कि मेंस का जब पढ़ाई पढ़ोगे ना, तो बहुत चीजें जो है पीटी के लिए ऐसे क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कुछ डाटा हमको मिल जाता है ना।